ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम सिंह आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों के सिलेबस का पार्ट है और प्री और मेंस दोनों जगह पे इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो आप देखिए मोस्टली दो एग्जाम्स लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप जानते हैं कि दो एग्जाम देते ही देते हैं। पहला है आपका यूपीएससी और दूसरा हम जानते हैं यूपी पीसीएस। यूपीएससी दोनों में आप जानते हैं कि प्री और प्री के बाद मेंस। अगर हम प्री की बात करें तो यूपीएससी में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस और यही आपके यूपी पीसीएस में भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। मेंस की बात की जाए तो मेंस में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको किससे मिल जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा हमारा, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आप कम सिलेबस में से आपको बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन प्री में और यही आप 1-2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मेंस में। तो देखिए आते हैं हम लोग सीधे सिलेबस पे, यहां से हम लोग चीजों को शुरू कर। देखिए दो चीजें आपके सिलेबस में शामिल हैं, एक है आर्ट यानी कि कला और दूसरा आप जानते हैं कल्चर यानी कि संस्कृति। ठीक, तो दो चीजें हमारे सिलेबस की हैं, एक है कला और दूसरा है संस्कृति। अब जिन चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत कवर करते हैं, तो अगर हम पहले देखें, अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट में हम प्रॉपर 2 सेगमेंट्स देखते हैं। पहला है हमारा विजुअल आर्ट्स का मतलब दृश्य कला, यानी कि वो कला जिसमें हम भाग नहीं ले सकते और हमें केवल कहलाता है कि हम उसे देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री के दौरान किस किस तरीके लोगों ने उस आर्ट को डेवलप किया, किस फेज में वो आर्ट डेवलप हुई, उसके पर्टिकुलर फीचर्स कौन कौन से थे। तो इस सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत। विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे उनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका आर्किटेक्चर, यानी कि स्थापत्य। आपने कोई भी पेपर आज तक देखा होगा, बिना आर्किटेक्चर के आपको किसी भी ना यूपीएससी में ना ही यूपीपीसीएस में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आपको आर्किटेक्चर से कम वह एक अधिक से अधिक 3 क्वेश्चंस आपको देखने को ना मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर, जो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत। सेकेंड नंबर पे इसी में हम लोग आर्किटेक्चर के बाद स्कल्पचर, एक स्कल्पचर का मतलब स्थापत्य। ठीक, स्कल्पचर्स का मतलब मूर्ति कला। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे हम लोग इसमें किसे कवर करेंगे, मूर्ति कला। यानी कि आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर के अलावा कुछ ऐसी मूर्तियां हमारे यहां बनी जो सीधे सीधे आपके आर्किटेक्चर का पार्ट ना हो करके वो एक इंडिविजुअल आर्ट्स के रूप में डेवलप हुई, जिसको हम लोग किसके अंतर्गत कवर करते हैं, विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत या दृश्य कला के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी चीज के अंतर्गत जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट्स में ही, इसे हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। यानी कि प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला के अंतर्गत जिन चीजों को हम लोग कवर करेंगे, जैसे डांस के बाद म्यूजिक के बाद थिएटर यानी कि नाट्य मंच,
संगीत और नृत्य। इसके बाद फोर्थ नंबर पे वो है सिनेमा, ठीक, यानी कि चलचित्र। इतनी चीजों को हम लोग कहलाता है, इसके अंतर्गत कवर करेंगे, आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हमारे सिलेबस का दूसरा पार्ट आता है, वो है हमारा कल्चर या संस्कृति। अगर कल्चर की बात की जाए तो आप देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से इस कल्चर वर्ड को देखें तो कल्चर टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्ट, ठीक, यानी कि कल्चर शब्द किससे निकला हुआ है, लैटिन शब्द कल्ट से। कल्ट का मतलब होता है किसी चीज को टूडू यानी कि करना, और इसी करने से चीज क्या बन गई है आपकी, कल्चर या संस्कृति। अब यहां पे इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस चीज को, जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो पहले से उसका एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, और उस नेचुरल प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब जो आपका पहले से नेचुरल है और जिसे नेचर ने खुद क्रिएट करके हमें दिया है, तो जब इस नेचुरल फॉर्म में हम कुछ करने जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहलाता है। जैसे हम नेचुरल फॉर्म में कुछ चेंजेस लेके आते हैं और उन चेंजेस के कुछ स्टैंडर्ड तय हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति के बाद बन जाता है संस्कृति। और यही संस्कृति क्या है हमारी, जिसे आप कल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक तरीके से अगर आप डेफिनेशन को देखें तो रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रकृति इज कॉल्ड संस्कृति, यानी कि संस्कृति का जो परिष्कृत रूप है वही क्या कह, वो प्रकृति का वही क्या कहलाता है, उसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि जो चीज संस्कृति बनेगी, थर्ड स्टेज आती है और इसको कहा जाता है विकृति, यानी कि किसी भी चीज की डिके फॉर्म, यानी जब प्रॉपर तरीके से वो एक रूप ले लेती है और अपने जेनिथ पे पहुंच जाती है, तो इसके बाद आप जानते हैं डिक्लाइन फेज आती है, और उस डिक्लाइन फेज को क्या नाम दे दिया गया, विकृति। यानी कि कल्ट यानी कि करना कहां पे, एक नेचुरल प्लेटफॉर्म पे हम जो भी गतिविधियां करते हैं, इसका मतलब कि इसका संबंध हमारी लाइफ की एक्टिविटीज के साथ है। अब कल्चर के साथ अगर हम देखें तो जो एक्टिविटी या गतिविधियां हैं, अब आप समझ सकते हैं कि दो तरीके से हो सकती हैं, कोई भी काम इंडिविजुअल हो सकता है और या फिर आपके ग्रुप में हो सकता है। तो बस कल्चर में आपको इतना ही याद रखना है कि कल्चर क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए आप आज के समाज में एक ऐसी ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दें जिसको मेजॉरिटी में लोग यूज नहीं करते हैं, तो हम उसे इंडियन संस्कृति नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है, वो आपका पर्सनल बिहेवियर होगा और उसे संस्कृति नहीं कहा जाएगा। लेकिन वही पैटर्न अगर पूरी सोसाइटी फॉलो करने लगे या कुछ लोगों के ग्रुप फॉलो करने लगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसे हम संस्कृति कहने लगे। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो संस्कृति क्या है, ये हमारी वे ऑफ लाइफ है कि जो हमारे ग्रुप या समूह में हम जीते हैं, उस समाज में जो जो गतिविधियां हम करना स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। तो संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में भी जैसे हमने आर्ट में देखा कि विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट, तो संस्कृति को भी राइटर्स ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ये देखी गई मटेरियल, यानी कि वो चीजें जो हमारी भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, भौतिक या मटेरियल कल्चर के अंदर। जैसे मटेरियल कल्चर्स के अंदर आप देखते हैं कि हमारी ड्रेस, ये आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ड्रेस के बाद आप देख रहे हैं कि फूड, कैसा आप खाना खाते हैं, ये चीजें कहलाता है। और इसके अलावा हम जो चीजें डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं, और ये सारी चीजें हमारी कैसी हैं, जो मटेरियलिस्टिक कल्चर का निर्माण करती है। इसके बाद नॉन मटेरियल, यानी कि गैर भौतिक
संस्कृति। अगर गैर भौतिक संस्कृति की बात की जाए तो आप देखते हैं इसमें सबसे पहली चीज है, जैसे वो होते हैं हमारे आइडियाज, यानी कि हमारे विचार क्या हैं, और इसके अंतर्गत हमारी सारी फिलॉसफी शामिल हो जाती है, कि वैदिक से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक की सारी फिलॉसफियां इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और इसी के अंतर्गत हमारा रिलीजन शामिल हो जाता है, यानी कि विचार। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे आइडियल्स, यानी कि हमारे आदर्श। आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ हमने आइडियल्स तैयार कर रखे हैं जिसे अपने समाज का आदर्श मानते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी है मानवता। इसके अलावा आदर्श को ही भारतीय संस्कृति में क्या नाम दिया गया है, धर्म। जैसे आप पढ़ते हैं मात धर्म, पितृ धर्म, भ्रात धर्म, राज धर्म, ये सब हमारे आदर्श हैं कि किस परिस्थिति में कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल नहीं, हमारी उपयोगिता किसके लिए है, हम एक सोशल यूनिट है और हमारी हर गतिविधि किससे जुड़ी हुई है, समाज से, और इसीलिए हमारे व्यवहार को इन आदर्शों के द्वारा प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं कि हमें किस रोल में किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए, और ये वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अपने आइडियल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा फिलॉसफी अगर कोई है, यानी कि दर्शन, ये भी हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये भी विचारों का हिस्सा है, और इसी अगर सब पार्ट्स में देखें तो एक बड़ा हिस्सा इन विचारों का जो दोनों के बीच में आता है वो हमारा लिटरेचर, यानी जो सोचा उसे आपने भौतिक रूप में परिवर्तित कर दिया। तो साहित्य भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इन्हीं चीजों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि इन्हीं के सारे पार्ट्स के अंतर्गत एक सोसाइटी की अगर हम बात करें आदर्शों की, तो इन्हीं आदर्शों में आपके सारे फेस्टिवल्स कवर हो जाते हैं, आपके रिलीजन कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अपनी संस्कृति के अंतर्गत। तो इतनी चीजों को हम लोग कहलाता है अपने सिलेबस के अंतर्गत कवर करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चीजों को आर्ट्स से, और आर्ट्स के अंतर्गत कहलाता है जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को लेके चलना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर, यानी कि स्थापत्य। देखिए स्थापत्य में हम लोग जिन सेगमेंट्स को कवर करेंगे उनमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे वो है हमारा टेंपल आर्किटेक्चर। यानी कि मंदिर स्थापत्य कला, टेंपल आर्किटेक्चर या मंदिर स्थापत्य कला हम लोग फर्स्ट नंबर पे कवर करें। सेकेंड नंबर पे मौर्यन आर्किटेक्चर या मौर्य स्थापत्य कला, मौर्यों के बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यानी कि बौद्ध स्थापत्य कला, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बाद सल्तनत आर्किटेक्चर या सल्तनत स्थापत्य कला, सल्तनत के बाद मुगल आर्किटेक्चर, मुगल स्थापत्य कला, मुगल के बाद राजपूत आर्किटेक्चर, राजपूत स्थापत्य कला, इसके बाद है पहाड़ी आर्किटेक्चर, पहाड़ी स्थापत्य कला, और पहाड़ी के अंतर्गत ही हम लोग रीजनल, और सबसे लास्ट में है आपका वह मॉडर्न आर्किटेक्चर या आधुनिक स्थापत्य कला। इतनी चीजें हम लोग कहलाता है अपने आर्किटेक्चर के अंतर्गत कवर करें। तो आते हैं हम इनमें से सबसे पहले टॉपिक से, हाँ एक और याद रखिएगा, और वो है इसमें से हड़प्पन आर्किटेक्चर, और यानी कि हड़प्पा स्थापत्य कला। इनमें हम लोग सबसे पहले चीजों को शुरू करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर से, यानी कि मंदिर स्थापत्य कला,
और यहीं से हम लोग चीजों को देखना शुरू करेंगे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्पल आर्किटेक्चर्स के अगर को हम लोग देखें तो टेक्निक के आधार पर हमें थ्री इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखने को मिलती है। ये मान लेंगे इंडिया, ये पाकिस्तान। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो गुजरात से लेकर के और उड़ीसा तक, और ये पूरा आपका नॉर्थ इंडिया, यहां पे जो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है इस नॉर्थ इंडियन रीजन में, इसे कहा जाता है नागर आर्किटेक्चर। एक नागर टेंपल आर्किटेक्चर, यानी कि नागर मंदिर स्थापत्य कला। इसके बाद कृष्णा रिवर से नीचे तक, यानी कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी तक इस एरिया में जो डेवलप हुआ उसे हम कहते हैं द्रविण आर्किटेक्चर या द्रविण स्थापत्य कला। इसके बाद इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, यानी कि मोस्टली कर्नाटका, उसे हम कहते हैं वेशर आर्किटेक्चर या वेशर स्थापत्य कला। तो भारत में टेंपल आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो टेंपल आर्किटेक्चर हैज थ्री इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। सबसे पहले है आपके नागर टेंपल आर्किटेक्चर, मोस्टली इट इज नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर, वेशर ट्रांजिशन फेज कर्नाटका, और द्रविण यानी कि केरल और तमिलनाडु। तो इसी तीन तरीके के मंदिर हमें पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इस टेंपल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट की, यानी कि पहली बार टेंपल या मंदिर जैसी चीजें कब बनना स्टार्ट। तो देखिए टेंपल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम टेंपल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, यानी कि अच्छे से याद रखेंगे कि पहली बार मंदिर किस टाइम पीरियड में बनते हैं भारत में, तो वो है हमारा मौर्य काल। इसका मतलब कि 300 से लेकर के 384 BC के बीच में भारत में टेंपल आर्किटेक्चर पहली बार आता है। बट अगर एविडेंसेस की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड के हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि मोस्टली टेंपल्स वर वुडन टेंपल, यानी अधिकांश मंदिर लकड़ी के बने हुए थे। और आप जानते हैं कि लकड़ी के मंदिरों के इतने लंबे समय तक एविडेंसेस मिलना ये संभव नहीं है, ठीक। और इसलिए माना जाता है कि, लेकिन हाँ, पतंजलि वगैरह के लिटरेचर से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य टाइम पीरियड में मंदिर हुआ करते थे, मार्केट में स्टैचू बड़े पैमाने पर सेल करने के लिए लाई जाती थी, और मौर्यों के समय एक कम्युनिटी ही होती थी जिनको कहा जाता था देव कारू, यानी कि जो देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करते थे। तो इस तरीके से माना जाता है कि यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर का इमरजेंस हो चुका था। इसके बाद इंडिया में टेंपल का फर्स्ट एविडेंस माना जाता है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ टेंपल या मंदिर का पहला साक्ष्य, मंदिर की अगर फर्स्ट एविडेंस की बात की जाए तो पहला साक्ष्य मिलता है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, और यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें वृक्ष टेंपल का, यानी कि ईंटों के मंदिर का साक्ष्य मिलता है। और ये कौन सा है, इस मंदिर का आकार ऑक्टागोन शेप में है, यानी कि ये मंदिर अष्टकोणीय है। इसे कहा ही जाता है ऑक्टागोन टेंपल ऑफ नागार्जुन कोंडा, यानी कि इसे इंडिया का पहला मंदिर माना जाता है, जो लगभग माना जाता है कि कब बना, इसे 100 BC के आसपास का मंदिर माना जाता है, और जिसके एविडेंस हमें कहां से मिल जाते हैं, नागार्जुन कोंडा से। इसी के समय के, यानी कि इसके कुछ समय के बाद के मंदिर हमें लेटर मॉडर्न फेज में ही देखने को मिलते हैं, जैसे टेंपल झंडियाल, झंडियाल टेंपल, तक्षशिला में झंडियाल मंदिर। इसके बाद नागरी टेंपल शंकर सानन राजस्थान, ठीक, शंकर सानन राजस्थान में ये कुछ प्राइमरी स्टेज के मंदिर हैं। लेकिन इन मंदिरों में हमें कोई आर्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मंदिर लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं,
और इनके केवल रिमेंस के आधार पर माना गया कि टेम्पल स्ट्रक्चर ही रहे होंगे। ठीक, तो इस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर के फर्स्ट एविडेंस आपको अच्छे से याद रखना है, वो है नागार्जुन कोंडा का ऑक्टागोन टेम्पल यानी कि अष्टकोणीय मंदिर, जो किससे बनाया गया था, ईंटों के द्वारा प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया गया। अब बात करते हैं हम लोग कि नागर आर्किटेक्चर की, कि नागर आर्किटेक्चर किस फेज से स्टार्ट होता है और नागर आर्किटेक्चर्स में, तो देखिए अगर नागर की याद की जाए तो फर्स्ट टाइम नागर आर्किटेक्चर इमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता एज, यानी कि पहली बार नागर स्थापत्य कला का उदय कब होता है, वो है हमारे यहाँ पे गुप्त काल। ठीक, गुप्ता एज का मतलब 300 to 550 AD, इसके बीच में गुप्त रूलर शासकों ने रूल किया, इसी टाइम पीरियड से माना जाता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर बड़े पैमाने पे आता है। रीजन क्या रहा कि मोस्टली गुप्ता रूलर्स वर फॉलोवर ऑफ ब्राह्मण रिलीजन, यानी कि या तो वैष्णविज्म या फिर आपका शैविज्म, और इसी आधार पर उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिरों को बनाने का काम यहाँ पे शुरू किया। ठीक, तो बात हुई कि नागर आर्किटेक्चर का इमर्जेंस कहां से होना शुरू होता है। अब अगर हम देखें तो नागर आर्किटेक्चर के सबसे पहले चीज कि अगर पार्ट्स की बात की जाए कि एक नागर आर्किटेक्चर में, एक टेम्पल्स में कितनी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो अगर नागर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो नागर मंदिर में सबसे पहले नीचे की तरफ एक बेस मिलता है जिसे हम कहते हैं प्लिंथ, यानी कि आधार। ये वो आधार है जिस पे टेम्पल आपका खड़ा रहता है। इस आधार के ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर शेप पे एक बेस तैयार कर दिया, और इस तरीके से यानी कि एक बेस के ऊपर इन मंदिरों का निर्माण यहाँ पे शुरू किया जाता है। इस टेम्पल के सबसे पीछे की तरफ एक स्क्वायर रूम होता था और जिसे कहा जाता है गर्भगृह। ठीक, तो सबसे पीछे के रूम को नाम दिया गया है गर्भगृह। गर्भगृह बात बात करते हैं कि है क्या। इसके बाद अब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यानी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता था शिखर, शिखर, शिखर के ऊपर आप एक स्टोन डिस्क जैसी संरचना देखेंगे। इस स्टोन डिस्क संरचना को नाम दिया गया आमलक। और आमलक के ऊपर मंदिर का टॉप मोस्ट पॉइंट जो मेटल का होता था इसे कहा जाता था कलश। तो मंदिर के सबसे ऊपर कलश। इसके बाद मंदिर के बीच में एक छोटा सा गैप है यहां पे, और यहां से इस तरीके के स्ट्रक्चर शुरू होते थे। ये मंदिर के साइज पे निर्भर करता था कि यानी कि एक से ज्यादा होंगे तो इनको कहा जाता है मंडप। अगर मंदिर बड़ा है तो फर्स्ट मंडप को कह देते थे अर्ध मंडप, सेकंड वाले को मंडप और थर्ड वाले को महामंडप। तो एक तरीके से मंडप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टेम्पल्स का। इसके बाद सामने की तरफ यहां पे आपकी स्टेयर से सीढ़ियां होती थी जिससे वर्शिपर्स टेम्पल में एंट्री करते थे। अब इस बेस में जो स्क्वायर बेस उन्होंने यहाँ पे ऊपर वाला तैयार किया, और यहां मान लीजिए मेन टेम्पल है जिसको ऊपर हमने डिजाइन में देखा। इस टेम्पल्स के सामने की तरफ एक राइज प्लेटफॉर्म होता था जिसे कहा जाता था जगती। जगती का मतलब जिसमें आप समझते हो उस देवता से रिलेटेड डिटीज को, जैसे शिव है तो नंदी, उसी तरीके से उनके एक उच्च प्लेटफॉर्म पर उनको बैठा दिया जाता था। इसके बाद अगर हम नागर टेम्पल्स को देखेंगे तो इसके चारों कोनों पे छोटे छोटे चार टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसको हम पंचतन स्टाइल के नाम से, तो ये चीजें हम आगे फीचर्स में देखेंगे। तो ये वो बेसिक पार्ट्स हैं जो हमें एक नागर टेम्पल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब इनमें हम बात करें तो देखिए सबसे पहला एरिया गर्भगृह। गर्भ एरिया, ये मंदिर का माना जाता था कि इट इज सैंक्टम एरिया ऑफ टेम्पल, यह मंदिर का पवित्र क्षेत्र है। ठीक, इट इज रिजर्व फॉर मैन डीएटी, यह मुख्य देवता के लिए आरक्षित है। यानी यहां पे जो मंदिर आप जाते हैं तो जो मुख्य भगवान जिसमें बैठते हैं
उसे गर्भ ग्रह कहा जाता है। ठीक, इस गर्भ ग्रह के ऊपर अगर आप एक सेंटर से डीटी के एक एक्सिस डालें तो इस एक्सिस के साथ ही एक वॉल ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिसे हमने क्या नाम दिया, शिखर कहा। तो शिखर क्या है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, यानी मंदिरों की पर्वत के समान संरचना है जो गर्भ ग्रह के जस्ट ऊपर बढ़ती हैं और दोनों एक पॉइंट पे जाकर के आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो नागर आर्किटेक्चर है, और पैरेलल ही आगे चली जाती है तो वो द्रविण आर्किटेक्चर है। यानी कि अगर गर्भ ग्रह के ऊपर की ये लाइन बिल्कुल पैरेलल चली जा रही है, दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो इसको हम कहेंगे द्रविण आर्किटेक्चर, और अगर एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाती हैं तो ये क्या है, नागर आर्किटेक्चर। ठीक, अब आप देखेंगे कि मोस्टली इसके ऊपर एक स्टोन डिस्क जैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जैसे ये लग रहा हो कि मंदिर के चारों तरफ से बढ़ती हुई चीजों को आपने डिस्क के बीच में बंद कर दिया हो। ठीक, और ये स्टोन डिस्क जैसी संरचना, इसे नाम दे दिया गया आमलक कह दिया गया। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक मेटल के स्ट्रक्चर बना दिया जाता था जिसे कलश कहते थे। तो ये चीजें हमें कहलाता है कि गर्भगृह के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। इस गर्भगृह के चारों तरफ एक सर्कुलेटरी पाथ होता है जिसे हम लोग कहलाता है कि प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, यहाँ पे आप परिक्रमा करते हैं। अब इन मंदिरों का निर्माण आप देखेंगे कि जनरली जो ये गर्भगृह वाला एरिया है, इस पूरे चैम्बर्स में शिखर में कहीं विंडो नहीं होती थी। रीजंस क्या थे कि अगर इस एरिया में, और आप हमेशा देखते हैं कि इस एरिया को एक एनर्जी चैम्बर्स के रूप में डेवलप किया गया, यानी कि अगर यहाँ पे हमेशा आप देखते हैं मंदिर में दीपक जलने का काम 24 घंटे, कहीं एनर्जी नहीं निकल रही है, ऊपर मेटल है, मेटल से एनर्जी अंदर की तरफ आना, तो ये एरिया एक तरीके से एनर्जी चैम्बर के रूप में काम करता था। और जब बर्थ स्लीपर्स, तभी हमारे यहाँ देखे कि परंपराएं थी कि मंदिरों में जाके उस मेन चैम्बर के आगे कुछ समय बैठना, यानी माना जाता था कि मंदिर में आप जाइए तो कम से कम आधे घंटे तक का समय दीजिए, तो जब आप मंदिर जाते हैं तो इस चैम्बर के सामने बैठते हैं, और आप जानते हैं कि एनर्जी फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ, तो वो चैम्बर की एनर्जी आपकी तरफ आती थी और आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होता था। तो इसीलिए बड़े ही साइंटिफिक आधार पर हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर को क्रिएट किया गया था। ठीक, और इस तरीके से मोस्टली ये नागर की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में साउथ की तुलना में क्लाइमेट थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो टेम्परेचर कम है, और इसलिए इस रीजन को उन्होंने एक नए एनर्जी चैम्बर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग मंडप में। मंडप वो है रिजर्व एरिया फॉर वर्शिपर्स या फॉलोवर्स, जो उस मंदिर के अनुयायी हैं, वो इन मंदिरों में बैठते थे। बड़े मंदिर हैं तो ज्यादा फॉलोवर्स एंट्री करेंगे, तो इसलिए मंडपों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ये मंडप आपके वर्शिपर्स के लिए रिजर्व एरिया है। इसके बाद कहलाता है कि जगती। जगती वो राइट प्लेटफॉर्म है जिसपे कहलाता है किसी न किसी वाहन। आप देखते हैं हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत मंदिरों में देवी देवताओं के साथ वाहन का कॉन्सेप्ट है कि हर देवी देवता किसी न किसी वाहन पे बैठे हुए हैं, तो उन्हीं वाहनों को हम कहां पे दिखा देते हैं, या तो अंदर या तो फिर आपने राइट प्लेटफॉर्म पे। जैसे शिव के साथ नंदी का कल्चर अंदर नहीं है, तो शिव टेम्पल्स में जगती वाले प्लेटफॉर्म पे नंदी का मंदिर बना दिया गया। अब इनसे रिलेटेड छोटे छोटे अदर देवताओं के मंदिर चारों कॉर्नर्स में बना दिए गए, जिसे हम पंचतायन स्टाइल के नाम पे जानते हैं। तो ये वो पार्ट्स हैं किसके, जो एक हमें डेवलप्ड नागर टेम्पल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। तो सबसे पहला है कि मोस्टली नागर टेम्पल्स आर सिचुएटेड ऑन हाई प्लेंथ, यानी कि अधिकांश नागर मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ठीक, यानी कि नागर मंदिरों को आप देखेंगे तो अधिकांश से पहले एक चबूतरा बनाया, उसके ऊपर मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक, अगला फीचर इसका है कि शिखर सार कर्विंग इनवर्ड, यानी कि जो शिखर है वो अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं। ठीक, यानी अभी आपसे बात की थी शिखर की, कि यानी आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा किया और ये धीरे धीरे कहलाता है आपके अंदर की तरफ आते चले जाएंगे, और यानी कि और एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे। यानी कि जो शिखर सार कर्विंग इनवर्ड्स, और ये वो भी ग्रेजुअली इनवर्ड्स, यानी कि धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे। अगला पिलर्ड मंडप्स
इच अदर इंपॉर्टेंट फीचर ठीक, यानी कि मंडप जिसमें बड़े पैमाने पर स्तंभों का प्रयोग होता था, यह भी इनकी एक अलग महत्वपूर्ण विशेषता है। थर्ड, पंचायतन स्टाइल इज मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑफ नागर टेम्पल्स। पंचायतन अच्छे से याद रखेंगे, नागर शैली में उन्होंने यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है कि पंचायतन किस आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो आप इस चीज को, तो पंचायतन का मतलब होता है कि एक आप देख रहे हैं कि मैन टेम्पल, इसके कॉर्नर पे सब टेम्पल्स फोर बना दिए जाते थे, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे फाइव टेम्पल्स हो जाते थे, इनको हम क्या कहते हैं, इसे पंचायतन स्टाइल के नाम पे हम लोग जानते हैं ठीक। तो पंचायतन स्टाइल भी इस आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम लोगों ने देखा कि अगला फीचर कौन सा है, ये पंचायतन स्टाइल। इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द्वारपाल यानी कि गेट कीपर, इन मंदिरों पे हमें द्वारपाल की भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि जो मेन डीटी का चैम्बर है उसके बाहर गेट पे दो लोग, जैसे दस अगर आप देखेंगे देवगढ़ में दशावतार टेम्पल, तो यहां पर पहली बार द्वारपाल के रूप में स्टैच्यू फॉर्म में गंगा और यमुना, इनको पहली बार स्टैच्यू यानी कि और ह्यूमन फॉर्म में कहां दिखाया गया, देवगढ़ के दशावतार टेम्पल में, एक तरफ मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना, यानी कि मगर पर बैठी हुई वो गंगा है और कछुए पर बैठी हुई यमुना, दोनों ही गेरपाल के रूप में खड़ी है। इस तरीके से इतने फीचर्स हमारे किसके हैं, ये नागर आर्क टेम्पल के ये आपको फीचर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नागर आर्किटेक्चर के स्कूल्स के ठीक। तो इट हैज, अब स्कूल के अलावा इनके में एक आर्क स्टाइल में अगर देखें तो सब स्टाइल्स ऑफ नागर, सब स्टाइल ऑफ नागर, नागर की तीन उप शैलियां भी हैं जो शिखर के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। इनमें बस आपको याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेंगे वो किसका हिस्सा है किसका नहीं। जैसे पहला है लतिन, लतिन को ही कहा जाता है रेखा प्रसाद, एक लतिन, लतिन को ही कहते हैं रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद का मतलब, जैसे आपको बताया था कि गर्भगृह ये, इसके सेंटर से आप अगर एक एक्सेस डालें ऊपर की तरफ और इस एक्सेस के पैरेलल लाइन ऊपर की तरफ जाती है, इसे हमने कह दिया लतिन शिखर ठीक। यानी कि एक सिंपल शिखर वाले स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया लतिन। सेकंड इसी का सब स्टाइल है फमसाना, एक फमसाना स्टाइल। फमसाना का मतलब, फमसाना में आपके, आप कह सकते हैं कि सब शिखर्स यानी कि यहां से आपके और शिखर एक ही चैम्बर की तरफ अगर बढ़ रहे हो, यानी एक शिखर एक से ज्यादा है और सारे के सारे ये लगे कि मेन शिखर्स में मर्ज होते चले जा रहे हैं, जैसा हम देखते हैं खजुराहो आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर को नाम दे दी गया फमसाना आर्किटेक्चर, जहां एक से ज्यादा शिखर एक ही पॉइंट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। तीसरी स्टाइल इसकी वो कहलाती है वल्लभी, एक वल्लभी में एक वॉल्टेड जो हेड है, जैसे मान लीजिए टेम्पल है, टेम्पल को हेड को इस तरीके से बनाकर किस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक वॉल्टेड चैम्बर के ऊपर चीजों को मिलाया गया, तो इस स्टाइल को हम लोग वल्लभी स्टाइल कहते हैं। वल्लभी गुजरात में है और गुजरात के छोटे छोटे मंदिरों में इस तरीके की चीजें देखी गई। तो ये थ्री सब स्टाइल्स हैं किसकी, नागर की। तो पूछ लेंगे आपसे कि सीधे सीधे लतिन है क्या या पमसाना क्या है, तो आपके टेम्पल आर्किटेक्चर वो भी नागर के थ्री सब स्टाइल। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ नागर, या नागर के महत्वपूर्ण स्कूल कौन कौन से डेवलप हुए। तो अगर स्कूल की बात की जाए तो इसका पहला स्कूल डेवलप होता है उड़ीसा में। एक नागर का फर्स्ट स्कूल उड़ीसा में। तो उड़ीसा स्कूल्स की अगर बात करें तो देखिए फीचर्स वही रहे कि कुछ चीजें यहां पर बदल जाती।
नागर है इसका मतलब कि शिखर यूज होगा ही होगा और एक ही पॉइंट पर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो सबसे पहली चीज है कि इस जगह पे जैसे शिखर, तो जो नागर का शिखर है इस शिखर में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे ये स्क्वायर बेस है आपके मंडप का और इसके शिखर इस तरीके से हल्का सा ऊपर जाकर के अंदर की तरफ मुड़ के फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी इस तरीके से मुड़ करके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे लतिन स्ट्रक्चर है, लतिन के शिखर आप देखते हैं कि ग्रेजुअली इनवर्ड्स होते हैं और एक ही पॉइंट पे कहलाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि पहले बाहर की तरफ निकलते हैं फिर तेजी के साथ कहलाते हैं अंदर की तरफ आते हैं, और इसीलिए यहां पे शिखर को नाम दिया गया देउली। देउली तो बस ओडिशा में शिखर क्या कहलाएंगे, शिखर को ओडिशा में देउल कहा जाता है क्योंकि दीपक के जैसे स्ट्रक्चर बन गया, तो इस तरीके से उन्होंने शिखर को नाम दे दिया देउल। दूसरा चेंज क्या देखने को मिलता है, जैसे मंडप, मंडप का केवल उन्होंने नाम बदल दिया। ओडिशा के टेंपल्स में मंडपों को नाम दिया गया जगमोहन, ठीक, मंडप्स आर कॉल्ड जगमोहन, यानी कि यहां पर मंडपों को जगमोहन कहलाते, ठीक। तीसरा नया फीचर है इसमें कि होल टेम्पल इज कवर्ड बाय मैसिव बाउंड्री वॉल, यानी कि जो पूरा मंदिर है एक विशाल प्राचीर से घेर दिया गया है। जैसे नॉर्थ इंडियन मंदिर ओपनली बनाए जाते थे हाई प्लिंथ पे, लेकिन यहां मंदिर का एक कैंपस है और उस प्राचीर या दीवार से घिरे हुए मंदिर है, यानी कि मंदिर ओपनली यहां पे नहीं होते थे। फोर्थ नंबर पे वाटर टैंक इन टेंपल कैंपस, यानी मंदिर के प्रांगण में क्या होता था, एक जलाशय जो मंदिर के कार्यों के लिए और ईश्वर की सफाई वगैरह करने के लिए यहां पे यूज किए जाते थे। तो इतनी चीजें हम कहां देखते हैं, उड़ीसा के टेंपल्स में, ठीक। अब इसमें बस थोड़ा एक अंतर है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में खजुराहो वगैरह के टेंपल्स हाई प्लिंथ पे हैं, ये लो प्लिंथ पे हैं, क्योंकि वॉल से कवर किए गए हैं और इसलिए उस चीज को उन्होंने बाहर से छुपा के रखने का प्रयास किया। तो इतनी चीजें हम कहलाता है कि कहां पे देखते हैं, उड़ीसा में। अब हम देखते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से फेमस टेंपल्स इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए, ठीक। तो इनको हम लोग, मैं पुरुषोत्तम सिंह आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया था और नागर आर्किटेक्चर्स के फीचर हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रॉपर तरीके से समझे थे। अब आते हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, हम लोग बात कर रहे थे नागर आर्किटेक्चर के स्कूल की, और हमारा स्कूल था ओडिशा स्कूल, ठीक। ओडिशा स्कूल की अगर हम बात करें तो ओडिशा में हम लोगों ने देखा था, एक मिनट रुक जाइएगा, ओडिशा में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि ओडिशा के दो फीचर्स हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे देउल, और देउल के बाद उनमें जगमोहन, ये दो फीचर्स हम लोगों ने कहाँ देखे थे, पिछली क्लास में ओडिशा के अंतर्गत देखे। अब हम इसी के आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ओडिशा में जो टेम्पल्स बनाए गए उन टेम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ फेमस टेंपल्स हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें सबसे फेमस टेंपल है उड़ीसा का, वो है लिंगराज टेंपल। एक लिंगराज आप जानते हैं कि किसका मंदिर होगा, शिव का। इस मंदिर का निर्माण किया गया 11th सेंचुरी एडी में, और इसका निर्माण करने वाला रूलर था जजाति केसरी, ठीक। इसका निर्माण किया जजाति केसरी ने, जो कि किस वंश का रूलर था, he was ruler of गंग डायनेस्टी, ये गंग वंश का शासक। तो जजाति केसरी गंग वंश का एक रूलर था जिसने कहलाता है इस चीज का निर्माण किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड टेंपल की तरफ। लिंगराज टेंपल की लोकेशन क्या है, लिंगराज टेंपल है आपका भुवनेश्वर, ठीक। यानी लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ
भुवनेश्वर, क्योंकि आप जानते उड़ीसा। इसके बाद सेकंड फेमस टेंपल की बात की जाए तो आप जानते हैं जगन्नाथ टेंपल, और जगन्नाथ टेंपल आप जानते हैं कहां पे है, पुरी में। जगन्नाथ टेंपल का निर्माण किया गया 12th century AD में, ठीक, यानी कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चडोगंग, अनंत वर्मन चडोगंग के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और आप जानते हैं कि पूरी कोस्टल सिटी है कहां की, उड़ीसा, और इसी कोस्टल सिटी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। पूरी का मंदिर जगन्नाथ टेंपल, और आप जानते हैं जगन्नाथ किसको जोड़ा जाता है, जगन्नाथ विष्णु के इनकॉर्नेशन या अवतार माने जाते हैं। तो एक विष्णु टेम्पल कहां बना दिया गया, उड़ीसा के पुरी में। इसके बाद हम उड़ीसा का थर्ड टेम्पल की बात करते हैं, और उड़ीसा का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है, वो है सन टेम्पल। एक सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर, कहां पे है ये, कोणार्क, ठीक, कोणार्क का सन टेम्पल। और इस मंदिर का निर्माण कराया गया था 13th century AD, यानी कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में निर्माण हुआ इस मंदिर का। इसका निर्माण कराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट गंग ने, ठीक, नरसिंह वर्मन फर्स्ट गंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया कोणार्क के सन टेम्पल। ठीक, तो ये उड़ीसा के तीन फेमस मंदिर थे जो हम लोगों ने नागर स्कूल के अंतर्गत ही समझे। इसी के अलावा यहाँ पर राजरानी टेम्पल, गोपीनाथ टेम्पल, अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं कहाँ के, उड़ीसा में। अब बात करते हैं हम नागर के नेक्स्ट स्कूल की, और नागर का अगला स्कूल है हमारा जिसको हम लोग जानते हैं कि स्कूल ऑफ खजुराहो या खजुराहो स्कूल के नाम। ठीक, नागर के ही मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, खजुराहो में। खजुराहो आप जानते हैं कि किस प्रदेश में है पहली चीज, तो खजुराहो एमपी में। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो आता है, वो जगह है छतरपुर। ठीक, एमपी के छतरपुर जिले में कौन सी जगह है, खजुराहो। आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम इट इज हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, जैसे कि कोणार्क का सन टेम्पल यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, उसी तरीके से ये भी किसका हिस्सा है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट आपकी ये भी है। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ की बात की जाए तो ये मंदिर आखिर किसने बनवाए, तो दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाई चंदेल रूलर्स, यानी इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, चंदेल शासकों ने। और ये मंदिर चंदेल शासकों ने 9th to 12th century AD के मध्य मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक, यानी खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। खजुराहो चंदेलों की सेकेंड कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल महोवा, और इसके बाद उन्होंने यहां पे मंदिर बनवाए। ठीक, देयर आर ग्रुप ऑफ 22 टेम्पल्स, यहां पर 22 मंदिरों का समूह है, और सारे के सारे टेम्पल्स आप जानते स्टोन टेम्पल्स हैं। और इन 22 मंदिरों के समूह का निर्माण, पहले यहां पे टोटल टेम्पल्स की संख्या 84 थी। ये 84 मंदिर समय के साथ कुछ मुस्लिम अटैकर्स के द्वारा, इसके अलावा लाइट गिरने से और लोकल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन आज भी 22 टेम्पल्स को यूनेस्को ने प्रिजर्व करके रखा है, और ये बिल्कुल आपके मेंटेन कंडीशन में आपको खजुराहो में देखने को मिलते हैं। तो ये तो खजुराहो की उन चीजों की बातें थी कि मंदिरों को बनवाया किस डायनेस्टी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि खजुराहो के टेम्पल्स में सबसे पहली चीज, अगर खजुराहो के मंदिरों की बात की जाए तो आप जानते हैं कि किसके लिए फेमस है, तो दीज टेम्पल्स आर फेमस फॉर सेंसुअल स्कल्पचर या इरोटिक स्कल्पचर्स, ये अपने उत्तेजक वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि खजुराहो के मंदिरों की वॉल के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से, यानी कि मैथुन मूर्तियां देखने को मिलती हैं, यानी कुछ इरोटिक स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। यूपी पीसीएस में ऐसा कि आपने देखा तो उन्होंने अभी कुछ ही साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसमें खजुराहो, उन्होंने पूछा था खजुराहो स्टाइल्स की मैथुन मूर्तियां
इन टेम्पल्स में से कहाँ देखने को मिलती है, वो महाराष्ट्र का टेम्पल था। तो याद रखिएगा कि रोटिक स्कल्पचर्स के लिए खजुराहो जाना जाता है। ये मिडवल एज में तंत्र का बड़ा सेंटर माना जाता था और इसीलिए इस तरीके की मूर्तियों को हिंदू टेम्पल्स के वॉल पे यहाँ पे जगह दी गई। अब बात करते हैं हम इन टेम्पल्स में कि यहाँ कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं खजुराहो। तो खजुराहो के टेम्पल्स की बात की जाए तो मोस्टली टेम्पल्स आर सिचुएटेड ऑन हाई प्लिंथ, यानी कि अधिकांश मंदिर किस पे बने हैं, ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए हैं। एक जैसे उड़ीसा के मंदिर लो प्लिंथ पे हैं, ये हाई प्लिंथ पे हैं। इसीलिए यहाँ चारों तरफ से बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से एबसेंट है, क्योंकि जब हाइट पे है तो मंदिर बाहर से दिख जाएगा, तो बाउंड्री वॉल की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ती। सेकेंड नंबर पे है कि दिस टेम्पल और बेस्ड ऑन पंचायतन स्टाइल, वो पंचायतन स्टाइल, पंचायतन स्टाइल, ये मंदिर किस पे आधारित है, पंचायतन स्टाइल या पंचायतन शैली पे। जैसे आपको बताया था पंचायतन का मतलब एक ही कैंपस में मेन टेम्पल और इनके जो सब टेम्पल्स हैं, पांच को मिला के क्या कहलाता था, इनको पंचायतन स्टाइल कहा जाता। ठीक, तो इस तरीके से खजुराहो मंदिरों में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहां पे हम बाकी तीसरे नंबर पे देखेंगे कि थर्ड फीचर जो हमें खजुराहो में देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर खजुराहो में ये भी है कि प्रोजेक्शन शिखर्स, यानी कि जो मेन शिखर है, इस शिखर के चारों तर्फ से हमें और शिखर इसमें मर्ज होते हुए दिखते हैं। तो माना जाता है कि यहाँ कुछ प्रोजेक्शन शिखर्स या उप शिखर की यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक सेंटर शिखर हाइट पे, इसके बाद निकलते शिखर आपके उसमें जैसे मर्ज होते चले जा रहे हो, तो ये चीजें भी हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, खजुराहो के आर्किटेक्चर में दिखाई देती हैं। अब आते हैं हम यहाँ के फेमस टेम्पल्स को देख लेते हैं कि खजुराहो में हमें कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। ये खजुराहो का सबसे फेमस टेम्पल है, वो है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव टेम्पल 11th सेंचुरी AD में माना जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया, विद्याधर चंदेल। ठीक, विद्याधर चंदेल के समय इस मंदिर को पूरा किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि धंग ने शुरू कराया था और विद्याधर चंदेल ने इसे पूरा कर दिया। इसके बाद सेकंड फेमस टेम्पल है यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल। ठीक, यानी कि लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर की अगर बात की जाए तो लक्ष्मण टेम्पल आप जानते हैं कि इसका निर्माण कराया यशोवर्मन। ठीक, यशोवर्मन। और ये जो मंदिर है यशोवर्मन के द्वारा निर्माण कराया गया, और ये मंदिर जिसका बनाया गया है ये लक्ष्मण का नहीं, ये विष्णु टेम्पल, लेकिन यशोवर्मन का ही दूसरा नाम लक्ष्मण देव था, इसलिए मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा फेमस नेम लक्ष्मण टेम्पल है विष्णु टेम्पल, बनवाए किसने, यशोवर्मन। इसके बाद खजुराहो में हमें किसके टेम्पल्स मिलते हैं, जैन टेम्पल, यानी इसमें तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। तो खजुराहो में हमें दो धर्म से जुड़े हुए मंदिर देखने को मिले, एक हिंदुज्म और दूसरा जैनिज्म। ये खजुराहो में बौद्धिज्म के टेम्पल्स टोटल एब्सेंट हैं, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग खजुराहो के बाद नेक्स्ट स्कूल की तरफ, नागर के। नागर का नेक्स्ट स्कूल है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वल्लभी स्कूल। ठीक, यानी कि तीसरा ग्रुप डेवलप होता है कहां पे, गुजरात, और गुजरात के साथ साथ राजस्थान। ठीक, गुजरात राजस्थान में भी वल्लभी स्टाइल डेवलप होती है। पल्लवी टेम्पल्स की अगर बात करें तो यहां पे है कि मोस्टली आउटर वॉल ऑफ टेम्पल्स आर प्लेन, यानी कि कैसे कि खजुराहो में हम देख रहे थे कि बाहरी दीवार पे बड़े पैमाने पे कार्विंग्स देखने को मिलती है। ठीक, और खजुराहो टेम्पल्स आर फेमस फॉर स्टोन कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स, लेकिन यहां पे क्या है, यहां टेम्पल्स की आउटर वॉल बिल्कुल प्लेन रखी गई है। ठीक, तो एक यहां याद रखिएगा कि यहां पे आउटर वॉल पे कार्विंग हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा सूर्य कुंड,
सूर्यकुंड इस आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। सूर्यकुंड आप जानते हैं कि सूर्यकुंड को यहां पे सूर्यकुंड इज ऑल्सो नोन एज बाबड़ी। सूर्यकुंड को बाबड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि रानी की बाप पाटन की सबसे फेमस है और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट भी है आपकी रानी की बाप। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर मंदिर कैंपस में एक हमें बाबड़ी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि कौन से फेमस टेम्पल्स हैं। यहाँ सबसे फेमस टेम्पल है सन टेम्पल। एक सन टेम्पल कहाँ पे है, इसकी जगह है मोढेरा। अच्छे से याद रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर माना जाता है। 11th सेंचुरी एडी में मोढेरा में सन टेम्पल बनवाया गया। ठीक, सन टेम्पल किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा निर्मित कराया गया। तो इस तरीके से सन टेम्पल याद रखेंगे, यहाँ का एक फेमस टेम्पल है उड़ीसा। इसके बाद वो उड़ीसा बोल दिया, ये टेम्पल आपके गुजरात, मोढेरा गुजरात। दूसरे नंबर पे यहाँ सबसे फेमस टेम्पल है वो है दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ है, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में। क्या है, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का। ठीक, तो सिर अरावली माउंटेन रेंज पे दिलवाड़ा में माउंट आबू टेम्पल है। ये कौन सा टेम्पल है, ये जैन टेम्पल। ठीक, ये जैन मंदिर है। इसे गुजरात के शासक भीम फर्स्ट के मंत्रु वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा का निर्माण करवाया गया था। तो वस्तुपाल तेजपाल के समय 11th सेंचुरी बनने वाला मंदिर है। ये 5 टेम्पल्स का ग्रुप है और ये मार्बल टेम्पल है, यानी इस मंदिर का निर्माण मार्बल या संगमरमर के द्वारा करवाया गया। तो याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण मंदिर है ये, कई बार पूछा जा चुका है। दिलवाड़ा टेम्पल तो वस्तुपाल तेजपाल गुजरात के मिनिस्टर्स ने बनवाया। जैन टेम्पल है, तीर्थंकर ऋषभ देव के अलावा बाकी 4 तीर्थंकर और यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो ये गुजरात के कुछ फेमस टेम्पल्स थे जिनको आपको याद रखना है। तो ये थी हम लोगों की नागर आर्किटेक्चर। नागर आर्किटेक्चर के बाद अगर हम बात करें तो अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल पे, और वो सेकेंड स्टाइल है हमारी द्रविड़। ठीक, द्रविड़। आपको पहले भी बताया था कि द्रविड़ आर्किटेक्चर जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है वो कृष्णा रिवर के नीचे वाले एरिया। ठीक, इस रीजन में हमें द्रविड़ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अब द्रविड़ आर्किटेक्चर्स के हम लोग सबसे पहले कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है द्रविड़ आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो है आपका गोपुरम। ठीक, गोपुरम क्या है, गोपुरम मंदिर के सेंटर वॉल पे जो एंट्रेंस गेट हुआ करता था उस एंट्रेंस गेट को गोपुरम कहा जाता था। तो गोपुरम्स क्या है, गोपुरम्स आर मल्टी स्टोरी एंट्रेंस गेट, यानी कि बहुमंजिली प्रवेश द्वार हैं। जैसे मान लीजिए गेट के यहां से एंट्री है तो गेट के ऊपर इस तरीके के स्ट्रक्चर के मल्टी स्टोरी बनी होगी और यहीं से एंट्री गेट को क्या कहते हैं, इसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक, सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट वो है इसका फीचर विमान। ठीक, विमान, विमान मतलब गर्भगृह के ऊपर के यहां पे नॉर्थ इंडियन शिखर्स आर कॉल्ड विमान इन साउथ इंडिया। उत्तर भारतीय जो शिखर हैं, यानी जो गर्भगृह के ऊपर यहां शिखर बने हुए थे, अब उस शिखर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा और इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, इसे विमान कहा जाता है। यानी कि गोपुरम गेट के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होगा उसे हम कहलाता है विमान कहते हैं। याद रखिएगा साउथ इंडिया में विमान शिखर ही क्या हो गए, अब विमान के नाम से जाने जाने लगे। तो इस तरीके से हमें दूसरा नंबर का इंपॉर्टेंट फीचर कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ। तीसरा, होल टेम्पल इज कवर्ड बाई मैसिव बाउंड्री वॉल। संपूर्ण मंदिर को एक विशाल चार दीवारी से घेरा गया है। और फोर्थ नंबर पे है आपका
वाटर टैंक इन टेम्पल कैंपस, यानी मंदिर के प्रांगण में हमें एक तल जलाशय मिलता है, जैसे कि उड़ीसा में देखा था। इतनी चीजें हमें कहां देखने को मिलती हैं, नागर आपके द्रविड़ टेम्पल में। और बाकी यूज ऑफ लोकल मोटिव्स, जैसे कहलाता है कि चोल वगैरह ने कुजडो, इसी तरीके कुछ मिथिकल एनिमल्स को यूज किया अपने मंदिरों में, तो इस तरीके से कुछ लोकल चीजें भी हमें कहां देखने को मिलती हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर में। अब आते हैं हम लोग इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की तरफ कि द्रविड़ दक्षिण भारत में मंदिर कौन है और कहां से शुरू किए। तो देखिए, सबसे पहले माना जाता है कि राज सिंह वॉज फाउंडर ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर। राज सिंह द्रविड़ स्थापत्य कला का संस्थापक था। He was ruler of पल्लव डायनेस्टी, यह पल्लव वंश का शासक था। और नर्स राज सिंह को ही नरसिंह वर्मन सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए द्रविड़ आर्किटेक्चर की फर्स्ट स्टाइल को क्या कहा जाता है, उसे राज सिंह शैली या राज सिंह स्टाइल कहते हैं। और यहीं से द्रविड़ आर्किटेक्चर की भारत में शुरुआत होती है। ये 8th सेंचुरी एडी में रूल कर रहा था, तो 8वीं शताब्दी से द्रविड़ आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाती है। अब इसने कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए राज सिंह ने, वो मंदिर हम देख लेते हैं उन्हीं के साथ ही साथ। राज सिंह ने जो मंदिर बनाया वो पहला टेम्पल माना जाता है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ टेम्पल कहां पे है, कांचीपुरम, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। आप जानते हैं कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में हमें क्या देखने को मिलता है, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक, तो यहां पे हमें कैलाशनाथ टेम्पल, नाम ही शिव का है तो शिव मंदिर होगा। सेकेंड नंबर पे इसने फेमस टेम्पल बनाया वैकुंठनाथ, वो वैकुंठ वैकुंठ पेरुमल, पेरुमल वैकुंठ पेरुमल, वैकुंठ पेरुमल मंदिर। इसे माना जाता है कि द्रविड़ आर्किटेक्चर का फर्स्ट स्टैंडिंग टेम्पल, यानी कि आप कह सकते हैं यह मोस्ट डेवलप्ड टेम्पल। तो ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का मोस्ट डेवलप्ड टेम्पल, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आर्किटेक्चर शुरू हुआ तो ये पहला मंदिर था, तो उस लेवल पे परफेक्शन नहीं दिखता है। हमें द्रविड़ के सारे फीचर्स कहां देखने को मिल जाते हैं, वैकुंठ पेरुमल में। और इस तरीके से वैकुंठ पेरुमल इनका पहला इंपॉर्टेंट टेम्पल, जिसमें हमें पूरे सारे के यानी फीचर्स देखने को मिलते, इसलिए कहा जाता है फर्स्ट मोस्ट डेवलप्ड टेम्पल ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर, वो था वैकुंठ पेरुमल। और इसी में कहलाता है ये कहां पे है, वैकुंठ पेरुमल का निर्माण भी कांचीपुरम में कराया। थर्ड टेम्पल इसने बनाया, थर्ड टेम्पल का इसके नाम है सोर टेम्पल, सोर टेम्पल या तटीय मंदिर। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है क्रिमिनोलॉजी में। तटीय मंदिर का निर्माण कराया उसने महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, चेन्नई के जस्ट ऊपर आपके महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम के कोस्टल सिटी में इसने तटीय मंदिर, यानी कि समुद्र के किनारे है तो मंदिर का नाम पड़ेगा कोस्टल टेम्पल या तटीय मंदिर। और इसी तरीके से इस मंदिरों का निर्माण राज सिंह ने करवाया। राज सिंह के बाद पल्लवों में दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है जिसने कुछ मंदिर बनवाए, वो था आपका नंदीवर्मन, नंदीवर्मन सेकेंड। नंदीवर्मन सेकेंड ने जो मंदिर बनवाए उसमें पहला टेम्पल है परशु रामेश्वर, ठीक, परशु रामेश्वर, ठीक, परशुरामेश्वर टेम्पल का निर्माण कराया किसने, नंदीवर्मन ने। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ मंदिर हैं, इसके बाद पल्लवों का डिक्लाइन हो जाता है और पल्लवों की जगह यहां पे कौन ले लेते हैं, चोल रूलर्स आते हैं। और चोल रूलर्स ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक,
तो चोल एम्पायर कहां से कहां तक, यानी इंडिया से लेकर के कंबोडिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसका मतलब कि चोलों के पास रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से था। और इतने बड़े लेवल पे जब रिचनेस हुई तो वो किसमें रिफ्लेक्ट होती है, हमेशा रिचनेस रिफ्लेक्ट होगी आपके आर्किटेक्चर या आर्ट के फॉर्म में। तो जब कला के रूप में आई तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना इस टाइम पीरियड में शुरू कर दिया। तो अगर हम इनके मंदिरों की बात करें, यानी हम यहीं पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर द्रविड़ का सेकेंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं चोल आर्किटेक्चर, और ये द्रविड़ का सेकेंड स्टेज मानी जाती है। इस आर्किटेक्चर में अगर सबसे फेमस टेंपल की बात की जाए तो आप जानते हैं वो है आपका बृहदीश्वर, ठीक, बृहदीश्वर टेंपल कहां पे बना हुआ है, तंजौर, यानी कि तंजौर में बृहदीश्वर टेंपल, तमिलनाडु में तंजौर है, ये शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कराया था राज फर्स्ट ने, और माना जाता है 1010 में मंदिर बनाया गया, और ये मंदिर अपने 2010 में 1000 ईयर्स पूरे कर चुका है और उसी कंडीशन में आज भी ये बना हुआ है। ये राज के द्वारा बनाया गया कहलाता आपका इंपॉर्टेंट मंदिर था बृहदीश्वर टेंपल तंजौर। इसी के बाद इनमें दूसरा टेंपल है जिसे हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ टेंपल्स, कहां पे, गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक, टेंपल्स ऑफ गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड चोलपुरम में आपके 5 से 6 टेंपल्स हैं। ये किसकी कैपिटल थी, राजेंद्र फर्स्ट की, ये बेटा था उसका, और राजेंद्र फर्स्ट ने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना करवाई और यहां पर उसने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया। इसी सिटी के अंदर उसने एक चोल गंगम नामक वाटर टैंक भी बनवाया, ये भी पूछा जा चुका है। चोल गंगम तालाब किसने बनवाया था, तो चोल गंगम वाटर टैंक भी आपके राजेंद्र फर्स्ट का है, ठीक। तो इस तरीके से कहलाता है ये चोलों के समय के कुछ फेमस मंदिर थे। इसके अलावा यहाँ पे ऐरावतेश्वर टेम्पल, रावतेश्वर टेम्पल दारासुरम में है, ये भी यहाँ का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है दारासुरम का, ऐरावतेश्वर टेम्पल पुरुतुम थर्ड के द्वारा बनवाया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का उन लोगों ने निर्माण करवाया। चोलों के बाद, चोलों के डिक्लाइन के बाद चोलों की जगह ले लेता है, लेते हैं वो रूलर्स आते हैं पांड रूलर्स, ठीक, पांड्याज। अच्छे से याद रखिएगा कि पांड आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर गोपुरम। अगर ये पूछा जाए कि गोपुरम किस आर्किटेक्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो है आपका पांड। पांडों के टाइम पीरियड में गोपुरम ने अपनी रियल हाइट को प्राप्त किया, यानी कि मेन टेंपल के विमान को छोटा कर दिया गया और गोपुरम की हाइट को बढ़ा दिया गया। तो यहां पर उन लोगों ने जो सबसे फेमस टेम्पल बनवाया है वो है आपका श्री विल्ली पुतूर अंडाल टेम्पल, ठीक, श्री विल्ली पुतूर अंडाल मंदिर, ठीक, श्री विल्ली पुतूर अंडाल टेम्पल, जो इसका गोपुरम है, गोपुरम की हाइट 192 फीट है, यानी 192 फीट का इन्होंने केवल एंट्रेंस गेट बनाया। और ये जो है ये तमिलनाडु का माना जाता है कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिंबल भी है, श्री बिल्लूर पुत्तूर टेम्पल, ठीक। तो इस तरीके से कहलाता है कि पांडो में एक ही टेम्पल है जो सबसे फेमस इनका मंदिर था। इसके बाद आते हैं यहीं पे पांडों के बाद द्रविड़ में ही आता हमारा विजयनगर, ठीक, विजयनगर आर्किटेक्चर, क्योंकि ये भी इस एरिया में है तो विजयनगर स्थापत्य कला भी द्रविड़ आर्किटेक्चर के अंतर्गत आती है। विजयनगर आर्किटेक्चर की अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें भी पहला है आपका मैसिव बाउंड्री वॉल्स, यानी कि विशाल चार दीवारी इन मंदिरों की पहली विशेषता है। दूसरा पिलर्ड हॉल,
यह स्तंभों युक्त कक्ष, ये इसकी दूसरी विशेषता मानी जाती है। थर्ड नंबर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कल्याण मंडप। द्रविण आर्किटेक्चर की थर्ड सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कल्याण मंडप। ठीक, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2017 में कि कल्याण मंडप किस आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो कल्याण मंडप आपके विजयनगर स्थापत्य कला। कल्याण मंडप यहां माना जाता है कि मंडप का संबंध विवाह के स्थल के साथ है, तो उस साउथ इंडिया में हमें हर टेम्पल कैंपस के साथ ओपन पिलर्ड हॉल मिलते हैं, और इन ओपन पिलर्ड हॉल को क्या कहा जाता था, कल्याण मंडप। जैसे आज आप देखते हैं कि शादियों में मंडप का कल्चर है तो पिलर लगा दिए जाते हैं, ऊपर का आपकी रूफ नहीं होती है, उसी तरीके से टेम्पल के बगल में मंदिर बनाने का कल्चर था। और ये किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ शिव और पार्वती, शिव को साउथ इंडिया में सुंदरम और पार्वती को मीनाक्षी के नाम से, तो उन्हीं मंदिरों में इनके विवाह समारोह आयोजित किए जाते थे। तो मंदिर कैंपस में ही कल्याण मंडप यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके वो माना जाता है कि एक्सट्रीम कार्विंग ऑन वॉल्स, यानी दीवालों पे अत्यधिक नक्काशी की गई है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि तो पैसे थे विजयनगर एम्पायर के पास, तो इसलिए कार्विंग का लेवल हमें बढ़ा हुआ कहां देखने को मिलता है, विजयनगर डायनेस्टी के अंतर्गत। अब हम विजयनगर डायनेस्टी में देखेंगे कि कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं, तो इनमें कुछ मंदिर हैं जिनमें आप जानते हैं। पहला है आपका विट्ठल स्वामी। ठीक, विट्ठल स्वामी टेम्पल, इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय। ठीक, कृष्णदेव राय रूलर था यहाँ का। कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर के 1529 तक रूल किया था किसने, कृष्णदेव राय ने, तो सिस्टीन टेम्पल में शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण। दूसरा विट्ठल, इन्होंने एक सिटी बनाई जिसको हम कहते हैं नागलपुर। नागलपुर सिटी की विश्व स्थापना कराई। तीसरा माना जाता है विजयनगर आर्किटेक्चर में गगन महल। गगन महल, तो ये विजयनगर आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जिनको हम लोग कहलाता है। बाकी एक टेम्पल यहां भी मिलता है हमें देखने को, विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष विरूपाक्ष मंदिर, ये सब हमें कर्नाटक के हम्पी में देखने को मिलते हैं, तो बाकी नागलपुर अलग इस तरीके से कहलाता है। और गगन महल बनवाया था पेनुकोंडा में गगन महल है। नागलपुर आप जानते सिटी ही है, ये मिलता है हमें हम्पी में, और ये भी देखने को मिलता है हमें हम्पी में। इस तरीके से कहलाता है कि विजयनगर आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे। अब बात करते हैं द्रविण आर्किटेक्चर के लास्ट पेज में, और वो है आपका नायक आर्किटेक्चर। नायक विजयनगर के ऑफिसर्स हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित कर ली। तो नायक मंदिर में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है प्रकरण। सीधे सीधे बात करेंगे कि प्रकरण किस स्थापत्य कला का हिस्सा है, तो ये प्रकरण आपके नायक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। है क्या, तो प्रकरण सार यूज कॉरिडोर्स, यानी प्रकरण आपके क्या हैं, बड़े गलियारे हैं, यानी मंदिरों में बड़े बड़े गलियारे बनाए जाने लगे। ये आपका मान लीजिए मैन टेम्पल है, यहां गर्भगृह, तो इस मंदिर के इस तरफ आपने क्या कर दिया, यहां पे कॉरिडोर डेवलप कर दिया। इन्हीं कॉरिडोर्स को क्या नाम दे दिया गया, इन्हें प्रकरण कहा गया। तो ये था हमारा द्रविण आर्किटेक्चर। इसके बाद आते हैं हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर के थर्ड स्टाइल पे, और वो है हमारी बेशहर। ठीक, बेशहर में अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो इट हैज बोथ नागर एंड द्रविण फीचर्स, यानी इसमें नागर और दोनों द्रविड़ दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये बीच के एरिया में डेवलप है।
इस आर्किटेक्ट ऊपर आप जानते हैं कि यहां से यहां तक नागर, कृष्णा के नीचे दे, तो इस रीजन में आपका कौन डेवलप होता है? बेसर आर्किटेक्चर। बेसर आर्किटेक्चर वॉज पेट्रोनाइज्ड बाई कुछ डायनेस्टियां हैं जिन्होंने इसको संरक्षित किया। तो बेसर आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज करने में जो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आपके चालुक्य आज ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्यों ने इसको संरक्षण दिया जो कि कर्नाटका के राजा थे 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक। दूसरा इसको संरक्षण देने वाले लोग थे वो थे होयसला। ठीक, होयसल डायनेस्टी के लोग जो 13th सेंचुरी से मैं आप 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक यहां रहे। तो इस तरीके से दो डायनेस्टियां हैं जिन लोगों ने यहां पर टेम्पल्स बनवाने का काम किया। अब हम देखते हैं कि आखिर वेसल स्टाइल के अंतर्गत इनके फीचर्स की अगर बात करें तो दोनों के मिले हुए फीचर्स हैं, तो अलग से फीचर्स को जानने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही विशेषताएं यहां पे देखने को मिलती हैं। अब आप टेम्पल से चीजों को देख लेंगे, चीजों को इस समय के जो यहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं, पहला मंदिर है लडखान टेम्पल। ठीक, लडखान मंदिर जो इस आर्किटेक्चर का महत्वपूर्ण टेम्पल है जो 7th सेंचुरी AD में बनाया है। लडखान के बाद यहां पे है टेम्पल के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पडक्कल। पटडक्कल ठीक, पडक्कल कर्नाटक की सिटी है और ये भी क्या है, यूनेस्को की हेरिटेज, ये भी यूनेस्को की विरासत स्थल है पडक्कल सिटी। ठीक, देयर आर टोटल 10 टेम्पल्स, वहां पे कुल मिलाकर के 10 मंदिर हैं। दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाई लोकेश्वर महादेवी। ठीक, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? इस सिटी का ही निर्माण कराया लोकेश्वर महादेवी के द्वारा। सी वॉज वाइफ ऑफ चालुक्य रूलर विक्रमादित्य, वो चालुक शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी और शिव धर्म की फॉलोवर थी और उसने कहलाता है कि उस शिव की स्मृति में मंदिरों का यहाँ पे निर्माण कराया। पडक्कल के अगर हम फेमस टेम्पल्स देखें तो इसमें पहला है पापनाथ। ठीक, पापनाथ टेम्पल। दूसरा यहाँ का फेमस टेम्पल है विरूपाक्ष। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर। तो ये यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो हमें किसमें देखने को मिलते हैं, इसी बादामी माने की आपके इसी को चालुक्यों के द्वारा बनाए गए। ठीक, तो ये चालुक्य टेम्पल्स हैं जो बेसर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। होयसल आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो होयसलों में बस आपको इतना याद रखना है कि होयसल आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर स्टार टेम्पल्स। होयसल जो स्थापत्य कला है इसमें तारे के आकार के मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके गर्भगृह और इस तरीके से उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा कि स्टार आर्किटेक्चर के लिए कौन सी जगह जानी जाती है, तो वो है होयसल, और ये किसमें आता है? बेसर आर्किटेक्चर के अंतर्गत। यहाँ छोटे छोटे मंदिर इदुक्की कुणुक्की जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक, तो ये था हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमें भारत में देखने को मिलता है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद हम स्थापत्य कला के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं यहां पे मौर्यन आर्किटेक्चर। एक मौर्यन आर्किटेक्चर या मौर्य स्थापत्य कला। मौर्यन आर्किटेक्चर की बात की जाए तो देखिए मौर्यन आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर स्टोन पिलर्स। एक जो मौर्य स्थापत्य कला है वो किसके लिए जानी जाती है? पत्थर के स्तंभों के लिए जानी जाती है। ठीक, तो आप अगर देखें तो मौर्य स्थापत्य कला में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो स्टोन। मौर्यन रूलर अशोका इरेक्टेड 20 स्टोन पिलर्स अशोक
मौर्य शासक अशोक ने 20 स्तंभों का उत्खनन करवाया, 20 सच एज पिलर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कंधार टू अमरावती। लगभग इस तरीके के 20 प्रकार के स्तंभ कंधार से लेकर अफगानिस्तान के कर्नाटका के आंध्र प्रदेश के अमरावती तक ढूंढे जा चुके हैं। ठीक, तो अशोक ने कहलाता है कि स्तंभों का पहली बार निर्माण कराया। अशोक के अगर हम पिलर्स को देखें तो सबसे पहली चीज है कि दीज पिलर्स आर टेपर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि ये स्तंभ आपके नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या है, टेपर्ड है, यानी कि अंदर की ओर आते हुए बनाए गए हैं। दूसरी चीज का सबसे पहला पार्ट आता है, इसे कहा जाता है मोनोलिथ सेफ, यानी कि ये क्या है, एक आस्म स्तंभ है। ठीक, दिस पार्ट इज प्लेन एंड पॉलिश्ड, यानी बिल्कुल सादे हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई लाइनिंग वगैरह नहीं बनाई गई है, ये प्लेन है और इस तरीके से रबिंग की गई है कि पॉलिश्ड पिलर दिखाई देते हैं। ठीक, इसके ऊपर की तरफ उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको स्टोन से बाद में अटैच कर दिया गया। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड लोटस। ठीक, इस संरचना को इन्वर्टेड लोटस या आवांगमुखी कमल कहा जाता, इन्वर्टेड लोटस एक इन्वर्टेड लोटस या आवांगमुखी कमल, आवांगमुखी कमल यानी कि जो कमल उल्टा। इसके बाद इसके ऊपर एक स्क्वायर बेस बना है, इस आधार पीठिका को कहा जाता है अबेकस, अबेकस यानी कि आधार पीठिका, और इसके ऊपर कोई ना कोई एनिमल अटैच कर दिया है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल यानी कि शीर्ष। तो इस तरीके से अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपने इन्वर्टेड लोटस स्थापित कर दिया, उसके ऊपर एक अबेकस, सबसे ऊपर एक एनिमल अटैच कर दिया गया। तो ये अशोक ने इस तरीके के लगभग 20 पिलर अशोक ने बनवाए। एवरेज हाइट ऑफ दीज पिलर्स आर 40 to 50 feet, यानी इनकी जो औसत ऊंचाई है 40 से 50 फीट है, एंड एवरेज वेट आपके कहलाता है कि 50 tons, यानी कि इनका औसत वजन 50 टन है। अब आप देख रहे हैं कि इतने हैवी स्तंभ बना करके कैसे एक जगह से दूसरी जगह और किस जगह पे बनाए जाते थे। तो दीज पिलर्स वर क्वारीड एट चुनार, इन स्तंभों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार में उत्खनित किया गया था, और वहीं से इनको उत्खनित करने के पश्चात बाकी जगहों पे पहुंचाया गया था। ठीक, तो इस तरीके से अशोक ने पिलर्स का निर्माण करवाया। अब इनमें से कुछ पिलर्स हैं जिनके ऊपर एनिमल्स के आधार पर हम उनको कैपिटल्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल में, पहला है लॉयन कैपिटल, अगर जहां पे केवल हमें क्या मिलता है, सिंगल लॉयन, जहां पे केवल स्तंभ के ऊपर अकेला शेर बनाया गया वो जगह है आपकी वैशाली। ठीक, वैशाली पे हमें एक सिंगल लॉयन देखने को मिलता है, तो वैशाली को एक लॉयन कैपिटल के रूप। अगला फोर लॉयन सिटिंग बैक टू बैक, यानी कि चार शेर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ये आप जानते हैं कहां पे है, सारनाथ। सारनाथ के इस जगह को हम लोगों ने किसके रूप में लिया है, नेशनल एम्बलम या जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो
वो हम लोगों ने सारनाथ से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगला है इनका वुल कैपिटल, जहां ऊपर बैल है। वुल कैपिटल कहलाता है रामपुरवा। ठीक, रामपुरवा में क्या है, वुल कैपिटल यानी यहां बैल बना हुआ है, तो रामपुरवा आपकी इनकी बुल कैपिटल के रूप में जानी जाती है। इसके बाद है एलिफेंट कैपिटल, यानी कि कहां हाथी बनाया गया था, तो वो है आपका सनकिसा। ठीक, सनकिसा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, और इस तरीके से अशोक ने स्तंभों का यहां पे निर्माण कराया। ठीक, तो ये थे हमारे मौर्यन आर्किटेक्चर के अंतर्गत आने वाली चीजें। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। देखिए, अगर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात की जाए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, दिस आर्किटेक्चर हैज फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहला है इसमें स्तूपाज, यानी बुद्ध स्थापत्य कला में पहले हम देखने को मिलते हैं स्तूप। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंड में हमें मिलते हैं चैत्याज, यानी कि चैत ग्रह। थर्ड पार्ट है बिहाराज, यानी कि बिहार। और फोर्थ पार्ट कहलाता है संघाराम। ठीक, संघाराम, इन सबसे चारों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, बौद्ध आर्किटेक्चर। ठीक, तो देखिए बौद्ध स्थापत्य कला में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनमें फर्स्ट पार्ट वो है स्तूपाज या स्तूप। ठीक, तो देखते हैं कि स्तूप आखिर थे क्या। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्तूप सार एक वरियल प्लेस, यानी ये समाधान स्थल हैं। ठीक, यानी कि जहां भी स्तूप बनाए गए हैं वहां स्टार्टिंग फेज में बुद्धा के रिमेंस रखे गए, और उन्हीं रिमेंसों के ऊपर स्तूपों का निर्माण करा दिया गया, तो अवशेषों पे बनी चीज होने के कारण हम कह सकते हैं बरियल प्लेसेस या समाधान स्थल के रूप में स्तूपों को ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्तूपों को लेकर के, तो फर्स्ट टाइम दिस आर्किटेक्चर इमर्ज्ड इन 5th century BC। पहली बार इस स्थापत्य कला का उदय कब होता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एक आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। कब होती बुद्ध की मृत्यु, 483 BC। एक आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध 8 rulers ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार डिवाइडेड रिमेन्स ऑफ बुद्धा एक, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद पूर्वी यूपी और बिहार के 8 राजाओं ने बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांट लिया, एंड फर्स्ट टाइम दे बिल्ट 8 stupas, और पहली बार उन्होंने 8 stupas का निर्माण करवाया। इन दीज स्तूप्स पिपरहवा इज ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया। इन स्तूपों में सबसे पुराना कौन सा है, पिपरहवा। पिपरहवा आप जानते हैं कि कहां पे है, ये प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ नगर में आता। एक बुक में आपको बस्ती में पिपरहवा नहीं मिलेगा, लेकिन पिपरहवा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में है। सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा वाला स्तूप सबसे पुराना है। बाकी अदर स्तूप जो लोगों ने बनवाए, उनमें अजात शत्रु ने राजगृह में बनवा दिया, गोरखपुर में रामग्राम के कोलियों ने बनवा दिया, कुशीनगर के मल्लों ने बनाया, पावरपुली के मल्लों ने बनाया, विट्ठदीप के ब्राह्मणों ने बनाया, बुलियों ने बनाया। तो इस तरीके से कहलाता है कि 8 stupas बना दिए गए, और जो स्टार्टिंग फेज में इनका स्ट्रक्चर बनाया गया, उस स्तूप आर्किटेक्चर में इतने चीजें उन्होंने बनाई। स्टार्टिंग फेज में स्तूप आर्किटेक्चर में इतनी चीजें हुआ करती थी। सबसे नीचे वाले पार्ट को हमें स्फेरिकल शेप को कहा जाता था अंड। ठीक, इट वॉज बिल्ट बाई बेक्ड ब्रिक्स,
यह पकी ईंटों के द्वारा निर्मित किया गया था। इस स्क्वायर रेलिंग बॉक्स को कहा जाता था हर्मिका, ठीक, हर्मिका। इसके बाद कराता है कि जो ये पिलर बना हुआ है ये बोडन पिलर होता था और इस बोडन पिलर को कहते थे दंड। और ये जो आपके अम्ब्रेला सब स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको कहा जाता था छत। तो स्टार्टिंग फेज के पिलर्स में इतनी चीजें, वो स्तूप में इतने पार्ट्स हुआ करते थे, ठीक। और इसमें कहलाते स्तूप्स में बुद्ध के सिंबल्स बनाए जाते थे, जैसे एलिफेंट, हॉर्स, चक्र, इसी तरीके की चीजों का निर्माण। तो ये हमारे स्तूप निर्माण का पहला चरण था जो उन्होंने बनाया, ठीक। सेकेंड फेज वॉज बिलोंग टू मॉडर्न एज बिकॉज अशोका वॉज फॉलोवर ऑफ बौद्धिज्म, ठीक। देयर फॉर ही बिल्ट नियर अबाउट, अकॉर्डिंग टू फायान, ही बिल्ट 84,000 स्तूपाज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फायान जब इंडिया में आया तो उसने बताया कि अशोक ने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक, ही ड्रॉप्ड भेरी घोष पॉलिसी एंड ही अडॉप्टेड धम पॉलिसी, ठीक। तो इसके आगे की चीजों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। रेसा इस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर, और कल्चर में हम लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछले टॉपिक में हम लोग थे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे, ठीक, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंतर्गत, कि हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के जो पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, वो था हम लोग का स्तूप। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि स्तूप आर्किटेक्चर का निर्माण उन लोगों ने बुद्ध की डेथ के बाद पहली बार करना शुरू किया। और इस तरीके से हमने देखा था कि इतने पार्ट्स, यानी कि अंड, अंड के बाद हर्मिका, हर्मिका के बाद जो अम्ब्रेला सब स्ट्रक्चर, छत्र, और छत्र के बाद दंड। ये इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी पिछली क्लास में कि बुद्ध एक स्तूप के अंतर्गत पाई जाती। अब अगर स्तूप आर्किटेक्चर को अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे बुद्ध से संबंधित रिमेन्स रखे गए थे और उन्हीं अवशेषों के ऊपर स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद आगे चल करके, यानी कि 5th century के बाद अशोक, क्योंकि मौर्यों में आप जानते कि नंद डायनेस्टी जैनिज्म के फॉलोवर थी, चंद्रगुप्त जैनिज्म का फॉलोवर, लेकिन अशोक ने बौद्धिज्म अडॉप्ट किया। तो अशोक ने इस आर्किटेक्चर पे फिर से ध्यान देना चालू किया और आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू फाहियान अशोका बिल्ट 84,000 स्तूपाज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक। यानी कि फाहियान कहता है कि अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में कितने स्तूप, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जबकि आप जानते कि ये बात बहुत ज्यादा है। 84,000 स्तूप बनाना किसी भी शासक के लिए संभव नहीं है इससे, लेकिन ये पता चलता हमें कि उसने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया, ठीक। अब देखते हैं कि अशोक के जो इंपॉर्टेंट स्तूप्स हैं, अशोक ने इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया, अशोक ने इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया और इट इज ऐसे स्तूप अशोक ने बनवाना उस समय कंटिन्यू जारी रखे। अब बात करते हैं स्तूपों की। तो अगर स्तूप्स में देखें हम, तो अशोक का जो सबसे फेमस स्तूप है वो अशोक का माना जाता है, जिसे आप कहते हैं कि तक्षशिला में उसने बनवाया, तक्षशिला। और तक्षशिला में उसने कहलाता है अपने पहले स्तूप का निर्माण कराया, ठीक। तक्षशिला आप जानते हैं कि कहां पे, अफगानिस्तान रीजन में, वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के तक्षशिला में उसने अपने स्तूप का निर्माण कराया। इसके बाद कहलाता है कि दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप उसने बनवाया लुम्बिनी में, लुम्बिनी के अशोक ने यात्रा की, और लुम्बिनी में उसने कहलाता है कि एक स्तूप बनाया जिसको हम कहते हैं कोणा गमन स्तूप, ठीक। कोणा गमन स्तूप का निर्माण कराया कहां पर उसने, लुम्बिनी में। इसके बाद अशोक के हम स्तूप्स को अगर देखें तो उसने जो आगे स्तूप्स बनवाए, इसके अलावा अशोक का जो स्तूप हमें देखने मिलता है वो है सारनाथ। सारनाथ के बाद नेक्स्ट स्तूप अगर हम देखें तो वो है सांची, ठीक। सांची के बाद अगर अगला स्तूप देखें तो अमरावती, आंध्र प्रदेश, ठीक।
इसके बाद अगर फिफ्थ नंबर देखें तो भरहुत, एक भरहुत एमपी में सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ अशोक के स्तूप्स हैं जो अशोक ने उस टाइम पीरियड में बनवाए, और ये दीज स्तूप्स आर बिल्ट बाई बेग्ड ब्रिक्स, यानी कि सारे के सारे पकी ईंटों के द्वारा बनवाए गए स्तूप हैं। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है ये इंपॉर्टेंट स्तूप्स हैं जो उस टाइम पीरियड में किसने बनाए, अशोका के द्वारा तैयार कराए गए। अब हम देखते हैं स्तूप्स में आगे की तरफ कि क्या चेंजेस आता है इस आर्किटेक्चर में। इसके बाद आता है हमारा लेटर मॉडर्न फेज। एक लेटर मॉडर्न फेज या मौर्योत्तर काल, एक मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल टाइम पीरियड आप जानते हैं कि 200 बीसी से लगभग 200 एडी के टाइम पीरियड को हम लोग लेटर मौर्यन या मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। इस टाइम पीरियड में आप देखते हैं मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हो चुका था, और मौर्यों की जगह लेते हैं वो है आपके सुंग, इसमें पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ कुमार करके सुंग डायनेस्टी की स्थापना। आप ये जानते हैं कि पुष्यमित्र सुंग वॉज फॉलोवर ऑफ ब्राह्मण रिलीजन, ही ऑल्सो प्रमोटेड वैदिक सेक्रीफाइसेस, ही परफॉर्म्ड टू सेक्रीफाइसेस। इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, जिससे बताता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो एक तरीके से वो फॉलोवर तो था किसका, ब्राह्मणिक रिलीजन का, यानी कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन कहते हैं कि उसके बेटे अग्निमित्र ने इस स्तूप आर्किटेक्चर को बड़े पैमाने पर डेवलप कराया, और सुंगों के समय स्तूप आर्किटेक्चर में कुछ न्यू चेंजेस किए गए। तो हम इस टाइम पीरियड के अगर चेंजेस की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, सबसे पहली चीज है ठीक कि इन्होंने स्तूपाचार, वो स्तूपाच वर बिल्ट बाई स्टोन, यानी कि स्तूपों का निर्माण किससे किया गया था, स्तूपों का निर्माण पत्थरों से किया गया, प्लेस वही है, पुरानी ईंटें हटा दी गई, गिर चुकी थी लगभग लगभग, तो उन्होंने कहलाता है कि उन स्तूपों को फिर से कहलाता है वहां पे पत्थरों से बनवा दिया। ठीक, अगला एक्सपेंशन ऑफ स्तूपाच, यानी स्तूपों का विस्तार किया गया या एक्सटेंशन ऑफ स्तूपाच, स्तूपों को उन्होंने एलिब्रेट फॉर्म पे बनवाया, यानी कि आकार को बड़ा कर दिया। कहते हैं कि अशोक के स्तूपों का लगभग डबल साइज किसने कर दिया, सुंगों ने करना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्तूप आपके और बड़े लेवल पे उन लोगों ने बनवाना चालू किए। ठीक, दे एडेड सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं किसमें ऐड कर दी, स्तूप आर्किटेक्चर में ऐड की, लाइक मेधी। अभी हम देखेंगे है क्या। ठीक, तो पहली संरचना है मेधी। मेधी के बाद अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो वो है परवेष्टनी। एक परवेष्टनी, और परवेष्टनी के बाद तीसरा है तोरण। तो ये वो फीचर्स हैं जो किन लोगों ने ऐड किए, सुंगों ने ऐड किए, ये अशोक के टाइम पीरियड में हमें देखने को नहीं मिलते। तो अब अगर हम इनकी बात करें, इनके इन फीचर्स की, तो हम देखते हैं कि आखिर ये कौन कौन से फीचर्स थे जो लोगों ने उस टाइम पीरियड में ऐड किए हैं। अगर हम स्तूपों को इसके टाइम पीरियड में देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इस टाइम पीरियड में, और वो था एलेबरेट फॉर्म ऑफ स्तूपाज या एक्सटेंशन ऑफ स्तूपाज, यानी स्तूपों के आकार को लगभग डबल कर दिया। जो अशोक के समय आकार थे उन आकारों की तुलना में स्तूप को और बड़े लेवल पे उन लोगों ने बनवा दिया। ठीक, तो यानी पहली चीज हम देख रहे हैं स्तूप के आकार को बड़ा कर देना। इसके चारों ओर एक वॉल तैयार कर दी गई, और इस वॉल को क्या नाम दिया गया, इस वॉल को नाम दिया गया परवेष्टनी। ठीक, ये स्टोन वॉल थी, और स्टोन वॉल को उन्होंने चारों तरफ से स्तूप को कवर करा दिया, और इसको नाम दे दिया गया परवेष्टनी। इस बाकी ऊपर की तरफ तोर आप जानते हैं अर्मिका, अर्मिका के बाद दंड, और दंड के ऊपर छत्र, ये पहले जैसे चलते रहे। इसके बाद हमने देखा कि इस तोरण अगर चारों तरफ से वॉल बना दी गई तो स्तूप तक आप आएंगे कैसे, इसलिए यहां पे गेट बना दिए। ठीक, हर स्तूप के इस वॉल में 4 गेट्स बना दिए गए, और दीज गेट्स वर कॉल्ड
तोरण, यानी इन गेटों को क्या नाम दे दिया गया, इनको तोरण कहा गया। कि गेट लगभग इस स्ट्रक्चर्स में बनाए जाते थे जो तोरण उन्होंने बनाए, इस तरीके से उन्होंने इनको स्तूपों का निर्माण कराया। अब इनके ऊपर इस तरीके की डिजाइन बना दी गई, तो ये क्या कहलाते थे, इन गेटों को तोरण नाम दिया गया। और इस तरीके से कि यहाँ पे गेट का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें इन गेटों में, यानी कि तोरण ऐड करने के बाद, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जोड़ा स्तूप के मिड पॉइंट में, जो एक टेरेस था। स्तूप के साथ एक टेरेस अटैच कर दिया गया और टेरेस को भी रेलिंग से कवर कर दिया गया। और इसी टेरेस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया, इसे कहा जाता है मेधी। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, अशोक के स्तूपों का। तो उन्होंने यहाँ पे मेधी का भी कहलाता है प्रॉपर तरीके से निर्माण कर दिया। तो इतनी चीजें हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं, ये एक हमें डब्ल्यूड स्तूप के अंतर्गत इतनी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इनमें से आप देखें, एक तो बाकी चीजें आपके काम की नहीं है, इसमें से दो जगह आपको याद रखनी है। एक स्तूप है हमारा, वो स्तूप है भरहुत। एक भरहुत है एमपी के सतना में, इसमें हमें एक व्यापारी की जानकारी मिलती है और वो है अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को जेतवन जेतवन डोनेट किया था। जेतवन जेत नामक राजकुमार की प्रॉपर्टी थी, जिसे अनाथ पिंडक ने परचेज करके किसे डोनेट कर दिया, महात्मा बुद्ध को डोनेट कर दिया। तो जेतवन एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका। तो हमें यहां पे एक स्टोन डिस्क मिली है, स्लिप मिली है, जिसके ऊपर डोनेशन को मेंशन किया गया है कि इसे अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को दान दिया था। तो याद रखिएगा, जैन आपके जेतवन के डोनेशन का एविडेंस किस स्तूप से मिलता है, तो वो है हमारा भरोत एमपी के सतना का स्तूप। दूसरा आपको याद रखना है सांची। सांची में टोटल 4 स्तूप आज है, वो 3 स्तूप आज है, एक सेंटर में, दो छोटे छोटे बगल। सांची के स्तूप का जो तोरण गेट है, इस गेट का मेंटेनेंस एक सातवाहन रूलर ने कराया था, वो कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक, तो दिस गेट को, तो दिस गेट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गौतमी पुत्र सातकर्णी इन 2nd सेंचुरी AD। तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस गेट को प्रॉपर तरीके से निर्माण करवाया। कहते हैं लाइट गिरने से गेट टूट गया था और इसकी मेंटेनेंस कराने का काम किसका रहा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो ये स्तूप आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड था। इसके बाद हम देखते हैं स्तूप आर्किटेक्चर का लास्ट फेज आता है, वो है गुप्ता फेज। ठीक, गुप्त काल में स्तूप आर्किटेक्चर अपने डिक्लाइन फेज में था, आप रीजन समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड जब ट्रेड डिक्लाइन था, फ्यूडलिज्म हावी था, इस बौद्धिज्म में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे थे, इससे लोगों से दूर जा रहा था, और बहुत गुप्ता रूलर्स या तो वैष्णविज्म के फॉलोवर थे या सैविज्म के, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर डोनेशन भी नहीं मिला बौद्धिज्म को, और इसलिए स्तूप आर्किटेक्चर डिक्लाइन की तरफ आ गया। तो इस समय का केवल एकमात्र स्तूप महत्वपूर्ण है और वो है आपका धामेक। एक अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त काल का धाम एक स्तूप है, और ये किससे बनाया गया है, तो दिस स्तूप वॉज बिल्ट बाय बेक्ड ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स। ये पकी ईंटों का स्तूप है और आज भी आप इसे सारनाथ में देख सकते हैं। तो इस तरीके से धामेक स्तूप कहाँ मिलता हमें, सारनाथ, और ये गुप्त काल में बनाया गया स्तूप है। इसके बाद भारत में स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, और धीरे धीरे क्योंकि बौद्धिज्म डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ठीक, तो ये था हमारे बौद्धिज्म में स्तूप आर्किटेक्चर। इसके बाद आते हैं हम बौद्ध आर्किटेक्चर के सेकेंड पार्ट पे, जो हम लोगों ने लिखा था चैत्याज। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं चैत्य ग्रह। तो पहली चीज, चैत्य से उन्होंने यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे ख्याल से 2013 या 2014। तो सबसे पहले कि चैत्याज आर केव टेम्पल्स ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। यानी अच्छे से याद रखिएगा कि जो चैत्य हैं वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों के गुफा मंदिर हैं। तो गुफा मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है, गुफा मंदिरों को चैत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब अगर हम चैत्याज की लोकेशंस को देखें बौद्धिज्म और जैनिज्म की, तो ये आर्किटेक्चर, तो फर्स्ट टाइम दिस आर्किटेक्चर इमर्ज्ड इन लेटर मॉडर्न एज, यानी ये स्थापत्य कला पहली बार हमारे सामने कब आती है, तो स्थापत्य कला हमारे सामने आती है लेटर मॉडर्न फेज में, ठीक। तो लेटर मॉडर्न फेज में इमर्ज होने वाला ये आर्किटेक्चर है, तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। अब हम आगे देखते हैं इस आर्किटेक्चर के बारे में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अगर हम रीजन्स को देखें तो ये अधिकांशतः हमें कहां पे मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न डेक्कन, ये हमें पश्चिमी दक्कन में देखने को मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपर गोदावरी रीजन में, यानी कि गोदावरी के ऊपरी क्षेत्रों में, और ये हमें ईस्टर्न दक्कन में देखने को नहीं मिलता। यूपीपीसीएस में उन्होंने सवाल पूछा था कि गोदावरी के निचले हिस्से में भी हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं अपर पार्ट में ही ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। वेस्टर्न दक्कन में इस रीजन में अगर हम पहले बात बाकी अगर बात करें जैन चैत्याज की, तो जैन चैत्याज हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा में, कहां पे, उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स में, जिनकी बात हम बाद में करेंगे, भी बहुत आर्किटेक्चर है, तो पहले यहां पे देखते हैं। अब यहां देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, केव्स को बनाने के बाद उन्होंने इसे टेम्पल्स फॉर्म में बनाना चालू। इस समय के सबसे फेमस चैत्य जो हमें मिलता है वो है कार्ले, ठीक। इसके बारे में क्या है कि इट इज लार्जेस्ट चैत्य ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले कहां पड़ता है, पुणे में, और यह भारत का सबसे बड़ा चैत्य ग्रह है। कार्ले का जो चैत्य ग्रह है, इस चैत्य ग्रह में आपने अधिकांशतः पिक्चर देखी भी होगी कार्ले के चैत्य के में, तो अगर हम इसकी पिक्चर की बात करें तो उन्होंने इस सेफ में एक प्रॉपर तरीके से केव बना रखी है, ठीक। इस केव के एंट्रेंस गेट की बात करें तो इसका एंट्रेंस गेट प्रॉपर इस तरीके से बना हुआ है, और यहां हमें आर्क की डिजाइन भी देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ एक विंडो है। इसके बाद आप अगर केव के अंदर एंट्री करते हैं तो यहां पे आपके केव्स में एक लाइन से आपके पिलर है, और सबसे लास्ट पे यहां क्या बना हुआ, एक छोटा सा स्तूप है, और इसी तरीके से यहां पे पिलर्स हैं। इन पिलर्स को रूफ के लेवल पे आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, यानी आपने एक छत बनाई, एक केव है, केव में पिलर, और पिलर को आपस में कनेक्ट कर दिया आपने, और बीच की ये जगह आपकी गहरी है, और इनको आपका थोड़ा सा उभार देके बनाया गया, बाकी आप यहां से यहां तक जा सकते थे, यहां से एंट्री कर सकते हो, सामने आपका एंट्रेंस है। यहां पर स्तूप की पूजा की जाती थी, तो माना जाता है कि हीनयान केव रही होगी उस टाइम पीरियड में। इस चैत्य के जस्ट बगल में दो पिलर बने हुए हैं, और इनके ऊपर किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोनिया सिंह का। इसके बाद इसमें एक कॉर्नर में वाटर टैंक है, ठीक। तो माना जाता है कि हर केव्स के अंतर्गत हमें एक प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको किसमें याद रखनी है, चैत्य ग्रह में, और ये कहाँ का है, कार्ले का। कार्ले के अलावा अगर चैत्य ग्रह की हम बात करें जो बौद्धिज्म से रिलेटेड थे, तो कार्ले के अलावा है आपका जैसे भाजा, भाजा भी पुणे में है। भाजा के बाद बात करें कन्हेरी, कन्हेरी मुंबई में है। कन्हेरी चैत्य ग्रह में हमें किसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक। तो वॉल्स में हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक इंस्क्रिप्शन हमें किसमें देखने को मिलता है, कन्हेरी में भी देखने को मिलता है। कन्हेरी भी अपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है, और कन्हेरी की चैत्य ग्रह कहाँ पे, मुंबई में है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भाजा, कन्हेरी, इसके बाद अगर बात करें विदिशा, विदिशा भी पूना में है, विदिशा, विदिशा अलग है, विदिशा अलग है, ठीक। तो विदिशा भी पूना में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैत्य ग्रह है जो हमें कहलाता है इस टाइम पीरियड में वेस्टर्न दक्कन में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैत्य थे। अब यही अगर हम बात कर लें जैनिज्म के चैत्य ग्रह की, तो जैनिज्म के चैत्य ग्रह हमें दो जगह मिलते हैं, उदयगिरी और दूसरा है खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी दोनों उड़ीसा में है,
और आप जानते हैं कि उदयगिरी में और खंड उदयगिरी में ही आपकी उड़ीसा में, और यही हमें क्या देखने को मिलती है, हाथी गुम्फा केव। ठीक, बाकी दोनों में ही हमें इनके मंदिर देखने को मिलते हैं, बाकी हाथी गुम्फा की बात हम लोग केव आर्किटेक्चर में करेंगे। तो इस तरीके से कहलाता है ये इंपॉर्टेंट इनके चैत्यग्रह हमें इन दो जगहों में देखने को मिलते हैं, और बौद्धिज्म के वेस्टर्न दक्कन में बड़े पैमाने पे। तो जैनिज्म के चैत्यग्रह के एविडेंस कहां से मिलते हैं, उड़ीसा से, और बौद्धिज्म के चैत्यग्रह के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, वो हम मिलते हैं वेस्टर्न दक्कन या पश्चिमी दक्कन से यानी महाराष्ट्र से। तो ये हम लोगों के थे चैत्यग्रह। इसके बाद नेक्स्ट आर्किटेक्चर पे आते हैं, बौद्धिज्म का थर्ड आर्किटेक्चर आपने लिखा था बिहार। बिहार की अगर बात करें तो बिहार क्या थे, बिहाराज आर रेजिडेंस एंड स्कूल्स। तो ये बौद्ध धर्म के आवास और स्कूल हुआ करते थे आपके बिहार, मोस्टली जहां चैत्य बनता था बगल में बिहार बनते थे, क्योंकि बिच्छू उसमें रहा करते थे बौद्ध मॉन्क, और साथ ही साथ धर्म की चर्चाएं करते थे, इसलिए एजुकेशन सेंटर्स के रूप में वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हुए। तो ये आपके क्या है कि रहने की जगह। बाद में अगर हम कुछ फेमस बिहार को देखें जो आगे यूनिवर्सिटीज में बदल गए, तो इनमें आप जानते हैं कि पहला है नालंदा, नालंदा बिहार 5th century AD, बेल्ट बाई कुमार गुप्त। ठीक, नालंदा बिहार का निर्माण कुमार गुप्त ने कराया, और नालंदा आप जानते हैं आगे चल के बिहार की फेमस यूनिवर्सिटी बन गई। नालंदा के बाद बात करें अगर हम तो सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार की बात करें तो सोनपुर बिहार बिहार के भागलपुर में है, और माना जाता है कि इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्क। इसके बाद बात करें विक्रमशिला, एक विक्रमशिला भी पहले बिहार था, बाद में यूनिवर्सिटी बन गया, और विक्रमशिला की स्थापना कहते हैं पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बिहार रेडेंस स्कूल्स है और ये यहाँ पे फेमस हुए, और आप जानते हैं कि नालंदा को आगे चल करके किसने, जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए जिसमें मोस्टली कौन, बख्तियार खिलजी, उसने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, तो ये था हमारा बिहार आर्किटेक्चर जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बौद्ध आर्किटेक्चर का लास्ट पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं संघाराम, संघाराम संघ से निकला है, और ये क्या हुआ करती थी मोनेस्ट्री, ये उनके प्रॉपर मठ हुआ करते थे जो आज हमें हिमालयन रीजन से लेकर के तिब्बत तक देखने को मिलते हैं। इन अगर मठों की बात की जाए तो कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जिनमें आप जानते हैं तवांग, एक लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है आपका तवांग, जो कहां है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है। इसके अलावा थिक्से है, थिक्से के बाद के मोनेस्ट्री है। ठीक, तो आप बाकी आपके सिक्किम में है, तो अदर इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रियां हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा क्या था, बौद्ध आर्किटेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इन चीजों को कंप्लीट किया। इसके बाद हम आते हैं आर्किटेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है हमारा सल्तनत आर्किटेक्चर। तो चलिए सल्तनत से पहले हम देख लेते हैं केव आर्किटेक्चर या गुफा वास्तुकला। गुफा की बात करें तो आप जानते हैं कि स्टार्ट ही हमारी भीमबेटका से होती है, लेकिन वो सब क्या है, नेचुरल केव्स हैं, और आर्किटेक्चर का मतलब मैन मड कट केव्स के द्वारा है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम हर्यक रूलर अजातशत्रु बेल्ट सप्तपर्णी केव फॉर सप्तपर्णी केव फॉर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि पहली बार अजातशत्रु ने 483 में बौद्ध काउंसिल के लिए राजगृह में गुफा बनवाई, जिसको किसके नाम से जानते हैं, सप्तपर्णी गुफा। ठीक, कहां पे है, राजगृह है। ठीक, राजगृह की सप्तपर्णी केव जिसे अजातशत्रु ने बनाया, और इसे इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल केव माना जाता है।
ये के बौद्ध काउंसिल के लिए बनाई गई थी, लेकिन काउंसिल्स के मेंबर ज्यादा होने के कारण अंदर नहीं हो पाई और काउंसिल बाहर होती है। आज भी आप राजगृह में सप्तपर्णी केव को देख सकते हैं। तो यहां से भारत में केव आर्किटेक्चर इमर्ज हो जाता है, यानी कि गुफा वास्तुकला भी कब शुरू होती है, 5th century BC में। इसके बाद आते हैं हम लोग केव आर्किटेक्चर के नेक्स्ट स्टेज पे, जो है मौर्यन स्टेज। और मौर्यों में आप जानते हैं कि एक रूलर था अशोक। एक मौर्यन रूलर अशोक बिल्ट सम इंपॉर्टेंट केव्स ऑन बराबर हिल्स फॉर आजीवक मॉन्क्स। एक आजीवक भिक्षुओं के लिए अशोक ने किस पे बनवाया, बराबर पहाड़ियों पे गुफाओं का निर्माण किया। एक बराबर में इस तरह की एक माउंटेन है और अशोक ने इसी माउंटेन के ऊपर 1, 2, 3, 4 गुफाएं बनवाई। ठीक, तो याद रखिएगा कि दोनों चीजें, कि अशोक की गुफाएं कहाँ हैं, बराबर माउंटेन्स पे, बराबर जहानाबाद बिहार में है। इसके बाद आजीवक केव्स किस संप्रदाय के लिए बनाई गई, तो दीज केव्स आर आजीवक केव्स हैं। इसके बाद कहलाता है, अगर इन केव्स के नाम की बात की जाए तो आप जानते हैं इन केव्स में आपकी सुदामा के बाद फेमस है लोमस ऋषि। ठीक, लोमस ऋषि की गुफा। ठीक, इट हैज टू चैम्बर्स, यानी इसमें दो कक्ष हैं लोमस ऋषि की गुफा में। ठीक, और ये मोस्ट डेकोरेटेड एंड डेवलप्ड केव है। वॉल प्रॉपर वॉल आर पॉलिश्ड, यानी इतने लेवल पे पॉलिश की गई है कि आप अपनी शैडो किस पे देख सकते हैं, वॉल के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक के समय पॉलिश आर्ट किस लेवल पे डेवलप रहा होगा। ठीक, इसके बाद माना जाता है कर्ण चौपड़। ठीक, कर्ण चौपड़, और कर्ण चौपड़ के बाद सुपिया। ये अशोक के टाइम पीरियड में बनाई गई इंपॉर्टेंट केव्स हैं और ये सबके सबके संप्रदाय के लिए बनाई गई, आजीवक कल्ट के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दीज आर आजीवक केव्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मैं पुरुषोत्तम सिंह रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा था आर्ट एंड कल्चर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्किटेक्चर और पेंटिंग को पढ़ लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारा इंडियन म्यूजिक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत। ठीक, भारतीय संगीत। इंडियन म्यूजिक के अंतर्गत बेसिकली जिन चीजों को हम लोग कवर करेंगे उसमें सबसे पहला है क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा है फ्यूजन म्यूजिक, और तीसरा है फोक म्यूजिक। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय के बाद सम्मिश्रित संगीत, और सम्मिश्रित के बाद लोक संगीत। इन तीन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और शास्त्रीय संगीत में भी हम लोग बेसिकली टू ब्रांचेज की बात करेंगे। पहला है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। एक तो इतनी चीजों को हमें किसमें कवर करना है, ये हमारा सिलेबस है किसका, इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत का। अब आते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे इन चीजों को, कि कुछ बेसिक चीजें देखते हैं हम लोग संगीत से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, यानी कि भारतीय संगीत 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहला आप जानते हैं कि स्वर, स्वर के बाद दूसरा आप देखते हैं राग,
और राग के बाद तीसरा है ताल। ठीक, यानी कि तीन चीजें बेसिकली जो स्वर संगीत के कंपोजिशन में शामिल होती हैं, स्वर, स्वर के बाद राग और राग के बाद ताल। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग स्वर की। तो अगर नंबर ऑफ स्वर्स की बात की जाए तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ स्वर कितने होते हैं, 7। यानी कि इंडियन म्यूजिक आपके कितने स्वर पे बेस्ड है, 7 स्वर के ऊपर आधारित है। और जो आप जानते हैं कि सारे गामा पाधा निशा जिनके अंतर्गत आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्वर है क्या, तो अगर हम स्वर की बात करें तो ये क्या है आपके, ये कंपोजिशन ऑफ साउंड है। यानी ये ध्वनि के संगठन को ही क्या कहा जाता है, स्वर। यानी कि किस वर्ड से कौन सी ध्वनि निकलेगी, उसी चीज को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्वर के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग राग की। राग क्या है, मेलोडियस फ्रेमवर्क ऑफ म्यूजिक या स्वर। यानी कि स्वर को अगर आप एक मधुर विन्यास में रख देते हैं तो राग है आपका मधुर विन्यास। किसका मधुर विन्यास, स्वर का। यानी कि जैसे मान लीजिए सारे गामा पाधा निशा इनको अगर आप कैसे भी मैनेज कर देंगे तो आप जानते हैं कि मेलोडियस फॉर्म में नहीं आएंगे। अब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखने से वो किस तरीके से नजर आएंगे, उनमें मधुरता या मेलोडियस फॉर्म डेवलप होगा। और उसी सीक्वेंस को यहां किस नाम से जाना जाता है, राग के नाम से। अगर नॉर्थ इंडियन की म्यूजिक की बात की जाए तो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 6 रागाज। यानी उत्तर भारतीय संगीत किस पे, 6 रागों पे आधारित है, जिनमें आप जानते हैं कि राग भैरवी, राग थाट, राग दीपक, राग बसंत, इसी तरीके से कहलाता है कि यानी कि 6 रागों के ऊपर हमारा उत्तर भारतीय संगीत आधारित है। अब बात करते हैं ताल की। ताल क्या है, मेजरमेंट एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ म्यूजिक। यानी कि संगीत की एक माप, मतलब कि अगर एक चीज एक टाइम पीरियड तक कितनी देर तक बोली जाएगी और किस स्पीड में बोली जाएगी, मतलब पिच और ड्यूरेशन। ठीक, पिच एंड ड्यूरेशन। पिच का मतलब कि आप कितनी तेज किस चीज को शुरू करेंगे और कितनी देर तक उस चीज को बोलते रहेंगे, और इससे मिलके क्या बनता है, ताल। यानी कि अगर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी देर तक कितनी और कितने हाई पिच पे बजता रहेगा तो हम मानेंगे वो एक ताल है। इसके बाद अगर उसका स्वर फिर बदल जाता है या ऊपर नीचे पिच उसकी बदलती है तो हम मानते हैं कि ताल बदल गया। इस तरीके से कहलाता है कि इंडियन म्यूजिक हमारा स्वर, राग और ताल पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि इसमें कि आखिर संगीत का डेवलपमेंट हमें कहां से देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत का विकास, तो अगर संगीत की बात करें हम तो भीमबेटका रॉक सेल्टर्स आर फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक। भीमबेटका की जो चट्टानी गुफाएं हैं वो भारतीय संगीत का पहला साक्ष्य है। भीमबेटका आप जानते हैं कहां पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और यहां हमें क्या मिलती है, स्टार्टिंग फेज की केव्स देखने को मिलती हैं। तो भीमबेटका रॉक सेल्टर्स ये इंडियन म्यूजिक के फर्स्ट एविडेंस माने जाते हैं। कैसे पता है, यहां पे आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम अपर पैलियोलिथिक एज पर उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। और इस समय हमें कुछ एक कमल डांस की पेंटिंग मिलती है और जिसके अंतर्गत कुछ लोग बीच में चाइल्ड बर्थ है और यहाँ पे कुछ लोग हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टिक पकड़े हुए हैं और बाकी लोग डांस कर रहे हैं। तो माना जाता है कि विदाउट डांस म्यूजिक के भी नहीं रहा होगा और इसीलिए मान लिया जाता है कि भीमबेटका रॉक सेल्टर्स भारत में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक का फर्स्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कहलाता है कि भीमबेटका आपको अच्छे से याद रखना है, इंडियन म्यूजिक का फर्स्ट साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद कि ड्यूरिंग हड़प्पन फेज म्यूजिक वॉज हाईली डेवलप्ड
यानी कि हड़प्पा काल में संगीत अत्यधिक विकसित था, यह हमें कैसे पता चलता है? जैसे सबसे पहले आप देखते हैं कि डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदाड़ो में आपको ब्रॉन्ज की और स्टोन की हड़प्पा से मिली है, इसका मतलब डांस था, तो म्यूजिक हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहा होगा। इसके बाद हमें किसके एविडेंस मिलते हैं? एविडेंस ऑफ हार्पोन, यानी एक हमें स्ट्रक्चर मिला है जिसको आप कह सकते हैं वीणा, और ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है लोथल से। तो माना जाता है कि लोथल में अगर हमें वीणा जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में म्यूजिक रहा होगा। इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमें म्यूजिक एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये सारे एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल हैं। अब अगर हम लिटरेरी एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले सामवेद इज फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी भारतीय संगीत का सामवेद पहला साहित्यिक साक्ष्य है। आप जानते हैं कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद को फर्स्ट एविडेंस माना जाता है, यानी इंडियन म्यूजिक ही किसके ऊपर बेस्ड है? गंधर्व वेद पे आधारित है। ठीक, तो अच्छे से याद रखेंगे, इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन गंधर्व वेद बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, यह भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संगीत के एविडेंस, तो वो हमें मिलता है किसमें? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना 2nd century BC में किसने की थी? भरत मुनि। एक नाट्यशास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। ठीक, इट इज फर्स्ट इंडियन बुक विच डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि भारतीय संगीत की पहली किताब है जो संगीत के सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करती है। ठीक, भरत मुनि बेसिकली नाट्यशास्त्र क्या है? ड्रामा है। लेकिन भरत मुनि ने ड्रामा को जब डिफाइन किया तो उन्होंने ड्रामा को बताया कि ड्रामा इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक, और डांस। यानी कि भरत मुनि के अनुसार ड्रामा के अंतर्गत तीन चीजें पाई जाती हैं, ड्रामा में एक्टिंग पार्ट होगा, ड्रामा में संगीत होगा और ड्रामा में डांस होगा। तो इसीलिए उनमें कैसा संगीत होगा इसके बारे में जानकारी किसमें लिखती है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 22 microtones यानी कि 22 उपध्वनियों की और 7 octave जिसे आप सप्तक या सात स्वर कहते हैं, तो 7 octave and 22 microtones को किन्होंने बताया है? भरत मुनि ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। इसलिए नाट्यशास्त्र की पहली प्रिंसिपल बुक कौन मानी जाती है? वह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक, और यही इंडियन म्यूजिक की पहली प्रिंसिपल बुक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इंडियन म्यूजिक में बहुत सारी किताबें भारत में लिखी गई, तो उनमें से अगर हम कुछ बुक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन इंडियन म्यूजिक, तो इनमें से केवल हम कुछ किताब देख लेते हैं, जिनमें पहली इंपॉर्टेंट किताब है गीत गोविंद की रचना 12th century AD में की गई। गीत गोविंद का राइटर था जयदेव, जो कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का कोर्ट राइटर था, और यहां पे हमें इंडियन म्यूजिक के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी किताब है संगीत रत्नाकर। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट किताब है हमें जो देखने को मिलती है वो है संगीत रत्नाकर, और सत्यजीत रत्नाकर की रचना की थी सारंग देव ने या सारंग धर। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है वो है संगीत राज की रचना की है राणा कुंभा। ठीक, चित्तौड़ के राजा थे राणा कुंभा,
राणा कुंभा ने संगीत राज की रचना की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें खिलाता है, ये इंडियन बुक्स हैं जो संगीत के ऊपर देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तुर्क रूल में, तो तुर्कों के टाइम पीरियड में एक बुक लिखी गई लहजत ए सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में लिखी गई और इंडियन म्यूजिक के ऊपर आपकी ये बुक बेस्ड है। इसके बाद इंडियन म्यूजिक की मिडवल एज में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है मान कुतूहल। मान कुतूहल के राजा मानसिंह हैं। एक मान कुतूहल की रचना किसने की, राजा मानसिंह ने, और इस तरीके से एक फेमस बुक है आपकी 15 सेंचुरी एडी की मान कुतूहल। मानसिंह ग्वालियर के तोमर राजा थे और उन्हीं के टाइम पीरियड में इस बुक की रचना की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक किताब लिखी गई किताब ए नौरस, एक किताब ए नौरस, इसे बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा। इब्राहिम आदिल शाह जो कि कहां के राजा थे, बीजापुर कर्नाटका, तो उनके टाइम पीरियड में भी इसकी रचना की गई। तो ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें इंडियन म्यूजिक की जानकारी देती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस या महत्वपूर्ण संगीतकार के, यानी कि भारत में कौन कौन से उस टाइम पीरियड में प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस या संगीतकार थे। तो अगर हम इनमें देखें तो प्रोमिनेंट म्यूजिशियन में अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम वो है आपके तानसेन। एक सबसे बड़ा नाम है इस व्यवस्था के अंतर्गत वो है आपका तानसेन का। एक तानसेन तानसेन की बात की जाए तो सबसे पहले रियल नेम इनका वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। एक राम तनु पांडे के नाम से कौन जाने जाते थे, तानसेन। ही बिलोंग टू रीवा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वह कहां के थे, मध्य प्रदेश के रीवा राजा, रीवा राज्य के, और रीवा के उस समय राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र। ठीक, ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन कोर्ट ऑफ रामचंद्र, उन्होंने अपना जीवन कहां प्रारंभ किया, रामचंद्र के दरबार। और कहते इसी टाइम पीरियड में तानसेन पहुंचते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में जो उनको फर्स्ट टीचर मिलते हैं वो थे स्वामी हरिदास, और कहते वृंदावन में उन्होंने हरिदास से संगीत सीखा। इसके बाद ये रीवा लौटे और रीवा में तानसेन फेमस हो चुके थे। इसके बाद जब रामचंद्र ने ये देखा कि मुगल कोर्ट में म्यूजिक के ज्यादा डेवलपमेंट के चांस हैं, तो उन्होंने तानसेन को अपने यहां से रिक्वेस्ट की कि आप किसकी तरफ जाइए, ग्वालियर और आगरा की तरफ। लेकिन तानसेन फिर भी रीवा रहना चाहते थे, लेकिन रामचंद्र की रिक्वेस्ट में वो वहां से चले गए। इसके बाद कहते हैं कि इन्होंने एक नया सेंटर बनाया, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो था ग्वालियर। ग्वालियर में इन्होंने मानसिंह और मानसिंह की पत्नी थी जिसका नाम था मृगनैनी। ठीक, मृगनैनी गुर्जर थी और मृगनैनी से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद कहता है मृगनैनी की एक दासी थी जिसका नाम था दुलारी, और दुलारी के साथ तानसेन का विवाह हुआ, और तानसेन के बेटों में एक बेटा विलास खां। ठीक, तानसेन का बेटा विलास खां जो जहांगीर के टाइम पीरियड का म्यूजिशियन बना, और तिनकी एक बेटी थी सरस्वती, और सरस्वती भी म्यूजिक की जानकार थी। तीन बेटे और एक बेटी थे, और जिनमें से कहलाता है म्यूजिक की तरफ दो लोग गए, एक है विलास खां और दूसरे सरस्वती। तो इस तरीके से कहलाता है कि, और बाकी तानसेन आप जानते हैं कि अकबर के नाइन ज्वेल्स का पार्ट रहे हैं। ठीक, तो पहले म्यूजिशियन थे हमारे इंडिया के सबसे बड़े तानसेन। अगर तानसेन की म्यूजिक की बात की जाए तो तानसेन मास्टर थे ध्रुपद के। अभी हम ध्रुपद की बात करेंगे, तो ध्रुपद म्यूजिक के मास्टर थे कौन, तानसेन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि इसके बारे में तानसेन के। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड फेमस म्यूजिशियन के बारे में, वो है हमारे
हुसैन शाह सर की, हुसैन शाह सर की, ठीक, हुसैन शाह सर की जौनपुर के थे, सर की डायनेस्टी के रूलर थे। और ये माना जाता है कि फर्स्ट टाइम ही इन्वेंटेड कलावंती ख्याल, कलावंती ख्याल इन इंडिया, उन्होंने भारत में पहली बार कलावंती ख्याल का आविष्कार किया। एक ख्याल म्यूजिक आगे हम पढ़ेंगे, तो बस इतना याद रखिएगा, हुसैन शाह सरकी को क्या माना जाता है, भारत में ख्याल म्यूजिक के फाउंडर के रूप में भी लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड म्यूजिशियन, थर्ड म्यूजिशियन आपके बैजू बावरा, ठीक, बैजू बावरा। He was famous musician of Gujarat. और गुजरात के बहादुर शाह के कोर्ट में वो म्यूजिक प्रोवाइड करता था। ये बहादुर शाह गुजरात के कोर्ट में रहने वाला म्यूजिशियन था, ठीक, बैजू बावरा। तो ये हमारे कुछ फेमस म्यूजिशियंस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले म्यूजिक की स्टाइल की तरफ अपने, और हमारी फर्स्ट म्यूजिक स्टाइल है वो है हिंदुस्तानी, यानी कि पहला है हमारा जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि फर्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा वो है क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत, ठीक, क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत। इट हैज टू प्रोमिनेंट ब्रांचेज, इसमें दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनमें सबसे पहले के बारे में हम लोग पहले पढ़ना शुरू करते हैं, वो है हमारा कौन सा, हिंदुस्तानी म्यूजिक या हिंदुस्तानी संगीत, ठीक। हिंदुस्तानी संगीत क्या है, बेसिकली इट इज म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को हिंदुस्तान कहते थे तुर्क, और इसलिए उत्तर भारतीय म्यूजिक का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तानी म्यूजिक। दूसरा कि इट इज म्यूजिक ऑफ या इट इज कंपोजिशन ऑफ पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन म्यूजिक, इट इज फ्यूजन ऑफ पर्शियन अरेबिक एंड इंडियन म्यूजिक, यह ईरानी अरबी और भारतीय संगीत का सम्मिश्रण है। इसका मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडिजीनियस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इन्फ्लुएंस किसका है, ईरान का भी है, अरब का भी है, और साथ साथ इंडियन म्यूजिक का भी है। तो एक तरीके से आपका फ्यूजन म्यूजिक है आपका कौन सा, हिंदुस्तानी संगीत, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस संगीत के बारे में एक एक चीजें कि आखिर इस हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत कितनी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिक वो है ध्रुपद। ये पहला हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो है हमारा ध्रुपद, ठीक। ध्रुपद के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इट इज डिवोशनल इन नेचर, यानी यह प्रकृति में कैसा है, यह प्रकृति में भक्तिमय है, ठीक। बिकॉज इट्स ओरिजिन इज टोटली बेस्ड ऑन हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पूर्णतः किस पे आधारित है, हिंदू मंदिरों पे, और हिंदू मंदिरों में ये भजन के रूप में शुरू हुआ, और ये ध्रुपद इसी लिए कहलाता है, एक डिवोशनल या भक्ति संगीत है। दूसरा ध्रुपद की अगर बात की जाए तो इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल सिंगर,
यह किसके द्वारा? पुरुष गायक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, ठीक, इट्स परफॉर्मेंस इज सोलो, यानी इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है? एकल। ठीक, तीसरी फोर्थ देखें तो वो है पखावज एंड तंबूरा आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ध्रुपद। तो आप देख रहे हैं कि ध्रुपद म्यूजिक का ओरिजिन इंडियन हिंदू म्यूजिक के ऊपर टेंपल्स पर बेस्ड है। मंदिर है तो नेचर कैसा होगा? भक्ति होगा, इसीलिए कराता है कि नेचर कैसा है? डिवोशनल है। इसकी बात की जाए तो अधिकांशतः अगर उस समाज की बात की जाए तो उस सोसाइटी में घरों से जाने बाहर जाने का अधिकार पुरुष वर्ग के पास था, और इसीलिए कहलाता है कि संगीत किसका है? मेल का है, क्योंकि वही मंदिरों में जाकर किसे परफॉर्म करते थे। इसके बाद इसमें एक ही व्यक्ति गाने का काम करता है, और इस संगीत के अंतर्गत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा वर्ड्स पे जोर दिया जाता है। तो ठीक, तो मोस्टली जो फोकस है वो फोकस्ड ऑन वर्ड्स, यानी कि शब्द आप क्या कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है संगीत की तुलना में। इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या यूज करते हैं? पखावज, और पखावज के बाद आप जानते हैं तंबूरा। ये दो इसके मैंने कहलाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब अगर देखा जाए संगीत के बारे में तो माना जाता है कि तानसेन वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिस म्यूजिक। तानसेन संगीत के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। ठीक, वास्तविक संस्थापक इसके कौन है? तानसेन। तानसेन ने ध्रुपद की बहुत सारी राग जैसे मियां की ठोड़ी, जैसे रागों का आविष्कार किया। ठीक, तो ध्रुपद में उन्होंने कई तरीके की चीजें बनाई। इस तरीके से ध्रुपद के फाउंडर कौन मान लिए जाते हैं? तानसेन। अब आगे चल करके इसमें कुछ घराना डेवलप हुए। घराना का मतलब स्कूल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया में घराना डेवलप हुए, तो हम इनके इंपॉर्टेंट घराना देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए कौन कौन से घराने भारत में देखने को मिलते हैं? पहला घराना डोंगरी घराना। ठीक, डोंगरी घराना पंजाब। ऐसी कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है जो आपसे पूछे जाए। डोंगरी घराना के बाद तलवंडी घराना, तलवंडी घराना पाकिस्तान। ठीक, तो इसके दो प्रोमिनेंट घराने हैं जिनको आपको याद रखना है, लेकिन इससे कोई फेमस पर्सनालिटी प्रेजेंट टाइम में एसोसिएट्स नहीं है। अब आते हैं हम लोग, तो ये था हमारा पहला म्यूजिक ध्रुपद। इसके बाद आते हैं सेकेंड म्यूजिक की तरफ। ध्रुपद के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट म्यूजिक है, वो है ख्याल। ठीक, देखिए ख्याल म्यूजिक को माना जाता है कि अमीर खुसरो वॉज फाउंडर ऑफ दिस म्यूजिक। अमीर खुसरो को इस संगीत के संस्थापक के रूप में भारत में लिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है, हिस्टोरियंस का, कि अमीर खुसरो नहीं, इसके संस्थापक कौन थे? हुसैन शाह सरकी। कुछ लोग हुसैन शाह सरकी को फाउंडर मान के चलते हैं, और कुछ लोग अमीर खुसरो को क्या मानते हैं? इस संगीत के संस्थापक के रूप में लिया जाता है। ठीक, अधिकांश राइटर्स का मानना है कि इसके फाउंडर कौन थे? अमीर खुसरो। अब बात करते हैं ख्याल की। तो देखिए ख्याल मीन्स इमेजिनेशन। ठीक, इमेजिनेशन वर्ड मीन है, और बेसिकली ठीक एस्टियरी थॉट्स, यानी कि भटके हुए विचार को क्या कहा जाता है? ख्याल। तो जो भटका विचार है वही आपका क्या है? ख्याल है। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि इट इज डिवोशनल एंड रोमांटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, यानी ये संगीत की भक्ति
और रोमांस विषय पर आधारित संगीत है। आगे इन प्रेजेंट टाइम सेंसुअलिटी इज अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक, यानी वर्तमान समय में कामुकता इस संगीत का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, इसके बाद इट इज परफॉर्म्ड बाई मेल एंड फीमेल सिंगर्स, यानी ये पुरुष और महिलाओं दोनों गायकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इतनी चीजें आपको किसमें याद रखनी है, ख्याल म्यूजिक के बारे में। अब ख्याल म्यूजिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई, या इसके कौन कौन से कहलाता है स्कूल इसमें डेवलप हुए। तो ख्याल के घरानों की बात की जाए तो ग्वालियर, एक ग्वालियर घराना उस टाइम पीरियड का माना जाता है कि मदर घराना ऑफ ख्याल। तो ग्वालियर घराना ख्याल का मदर घराने के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी घराने के अंतर्गत आगरा घराना, ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज रंगीला घराना। आगरा घराना को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस घराने के अंतर्गत अब इससे कुछ संबंध पर्सनालिटियां हैं, और जिनमें से सबसे फेमस पर्सनालिटी इस घराने की वो है पंडित भीमसेन जोशी। आप जानते भीमसेन जोशी भारत रत्न विनर हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी इस घराने की सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा म्यूजिक ख्याल। इसके बाद आते हैं थर्ड म्यूजिक की तरफ। थर्ड हिंदुस्तानी म्यूजिक ख्याल के बाद वो है ठुमरी। ठीक, ठुमरी इट इज मोर रोमांटिक एंड डिवोशनल म्यूजिक। ठीक, यह अत्यधिक रोमांटिक और भक्तिमय संगीत है। इन अर्ली फेज इट वॉज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण, यानी कि प्रारंभिक चरण में राधा और कृष्ण की कहानी पर आधारित था, इसलिए नेचर कैसा था, रोमांटिक और डिवोशनल दोनों था। ठीक, इसके बाद अगर बात करें इस म्यूजिक पे कि ठुमरी बेसिकली वो म्यूजिक है जिसमें आपके 2-2-6, यानी कि इसमें 2-2-6 कपलेट्स, यानी कि दोहों का प्रयोग होता है। बस इसमें यह है कि 2 से लेकर के 6 लाइन तक, जैसे 1-2-3-4-6। अब इसमें एक सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी अंतिम लाइन तक आती है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट बदलता नहीं है, एक ही सब्जेक्ट को आप शुरू से लेकर अंत तक बोलते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए इस म्यूजिक में क्या पाई जाती है, कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट या विषय की निरंतरता किसमें पाई जाती है, वो हम ख्याल म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं, वो ठुमरी के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठुमरी की बात करें तो इसकी कुछ सब ब्रांचेज हैं, जिसमें कहा जाता है पूर्वी थाट, ठीक, पूर्वी थाट, इसी की एक ब्रांच के रूप में जानी जाती है। अब देखते हैं कि ठुमरी में कुछ महत्वपूर्ण घराने या इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो अवध वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ ठुमरी, अवध ठुमरी का प्रमुख केंद्र था। नवाब वाजिद अली शाह, वॉज ग्रेट पेट्रॉन ऑफ ठुमरी
नवाब बाजिद शाह ठुमरी के महान संरक्षक थे। ठीक, और अवध उनका प्रमुख सेंटर के रूप में यहां पे बना रहा। तो इस तरीके से कहलाता है कि ठुमरी का मेन सेंटर आपका अवध रहा। अवध में घरानों की अगर बात करें ठुमरी के, तो ठुमरी का पहला घराना है वो है आपका लखनऊ घराना। लखनऊ घराना से एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है बेगम अख्तर। ठीक, बेगम अख्तर ठुमरी की बड़ी सिंगर है लखनऊ घराने की, और इसका दूसरा घराना है वो है बनारस घराना। ठीक, दूसरा घराना है बनारस घराना। ये फेमस घराने हैं किसके, ठुमरी के, और ठुमरी से जुड़ी हुई पर्सनालिटियां। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट म्यूजिक के। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले यानी कि फोर्थ म्यूजिक की तरफ, और वो है हमारा म्यूजिक टप्पा। बेसिकली इट इज फोक म्यूजिक, यानी ये बोलते क्या है, लोक संगीत है। इन 18th सेंचुरी एडी इट वॉज फोक म्यूजिक ऑफ कैमल राइडर्स ऑफ पंजाब। 18वीं शताब्दी में पंजाब के ऊंट सवारों का संगीत था। ठीक, और ये ऊंट सवार उस टाइम पीरियड में पंजाब से राजस्थान के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचते थे, ये आते थे आपके गुजरात। और जब थार को क्रॉस करते थे, इस मोनोटोनस एरिया को क्रॉस करने के लिए वो साथ में, क्योंकि लैंडस्केप बदलते नहीं थे, रोड में देखने के लिए कुछ नहीं होता था, और इस लंबे रास्ते को पार करने के लिए जो उन्होंने म्यूजिक यूज किया, उसी म्यूजिक का नाम पड़ा टप्पा। क्योंकि आप जानते हैं टप्पा का मतलब ही होता है जंप, यानी वो कैसे इस एरिया को क्रॉस कर जाए, और इसलिए उन लोगों ने वहां पर उस म्यूजिक को यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मोहम्मद सारंगीला वॉज रियल फाउंडर ऑफ या रियल पैट्रॉन ऑफ दिस म्यूजिक। मोहम्मद शाह इसका वास्तविक संरक्षक था। ही प्रोवाइडेड पैट्रॉन टू दिस म्यूजिक इन दिल्ली। मोहम्मद शाह रंगीला ने दिल्ली में इस संगीत को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद ये म्यूजिक अवध पहुंचता है, और अवध के टाइम पीरियड में भी कहलाता है किसने, अवध में सादत अली। सादत अली ने भी इसे पेट्रोन या संरक्षण प्रोवाइड कराया। ये म्यूजिक आगे चल करके अवध तक आ गया। इस म्यूजिक में हमें घराने देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट म्यूजिक की तरफ। फिफ्थ है हमारा वो है गजल। ठीक, अगला संगीत है हमारा गजल। बेसिकली इट इज ऑरिजिनेटेड इन पर्सिया, यानी मूलतः इसकी उत्पत्ति कहां होती है, ईरान में, यानी कि पर्शियन म्यूजिक है। ठीक, फर्स्ट टाइम इट केम इन इंडिया विद तुर्क्स। पहली बार ये तुर्कों के साथ भारत आया, और इंडिया में माना जाता है कि गजल के रियल फाउंडर के रूप में किसको लिया जाता है, अमीर खुसरो को। एक अमीर खुसरो वॉज फर्स्ट गजल राइटर ऑफ इंडिया। भारत में गजल के पहले लेखक कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने कहा था पर्शियन लैंग्वेज में भारत में गजलें लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक, देखिए गजल शब्द का बेसिकली मतलब होता है कि डिस्कशन ऑन फीमेल सब्जेक्ट, यानी कि जब आप एक नारी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं, उस मुद्दे को उन्होंने गजल नाम दिया। स्टार्टिंग फेज में ये अपने नेचर में डिवोशनल था, यानी भक्तिमय था। अब आपको बताया था कि अगर आप सूफीज्म में, आप जानते होंगे सूफी में अगर बात की जाए, तो सूफी गॉड को किसके रूप में लेते थे,
वो ईश्वर को मासूका मानते थे, यानी कि सूफिज्म में भगवान फीमेल है, और अपने आप को क्या मानते थे जो साधक हुआ करते थे फॉलोवर्स, वो अपने आप को मासूक मानते थे। और किसकी तलाश में? वो ईश्वर रूपी मासूका की तलाश के लिए निकलते थे, और जिसका आधार सूफियों ने किसे बनाया? लव या प्रेम को। ठीक, तो प्रेम से ईश्वर की तरफ बढ़ने की प्रोसेस के लिए तो ईश्वर को फीमेल रूप में रखा गया, इसलिए ईश्वर के बारे में जो भी भाव एक्सप्रेस किए गए वो उस तरीके से देखने में लगते हैं जैसे वो भाव किसी महिला के प्रति उन्होंने अव्यक्त किए। ठीक, तो इसलिए कहलाता है कि गजल इस रूप में जानी जाती है। इंडिया में आने के बाद गजल्स में अमीर खुसरो बड़े राइटर मिले, और आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने किसके बारे में? निजाम उद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बड़े पैमाने पे गजलों की रचना किसने की है? निजामुद्दीन औलिया ने। अगर निजामुद्दीन औलिया की गजलों से निजाम शब्द हटा दिया जाए तो आप ये कहीं से नहीं कहेंगे कि ये डिवोशनल म्यूजिक है। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाव को यहाँ पे अव्यक्त किया। इसके बाद पर्सियन के बाद गजल को 18th century AD में एक नई लैंग्वेज मिलती है जिससे गजल अपने जेनिथिया सीज पे पहुंच जाती है, वो है उर्दू। 18वीं शताब्दी में दिल्ली और उसके आसपास एक नई लैंग्वेज उर्दू बोली जाने लगी जो दक्कनी अरबी और हिंदी को मिलने से तैयार होती है। इसके बाद कहलाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे गजल सिंगर्स आए जिनमें हमारे यहाँ मीर दर्द। ठीक, मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द ने 18th century में अपनी गजलों की रचना की। मीर दर्द के बाद सौदा ने गजलों को लिखा। सौदा के बाद आप जानते हैं गजल के सबसे बड़े व्यक्ति वो हैं आपके मिर्जा गालिब, यानी कि 19th century में आपके किसने? गालिब। ये लोग आपके 18th century। गालिब किसके कंटेम्पोररी थे? ही वॉज कंटेम्पोररी ऑफ बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर। गालिब बहादुर शाह जफर के समकालीन थे, लेकिन गालिब बहादुर शाह जफर के कोर्ट पोएट नहीं थे। बहादुर शाह जफर का कोर्ट पोएट था जौक, और जो भी गजल लिखने का काम करता था, लेकिन गालिब जौक से बड़े सिंगर हुआ करते थे। तो इस तरीके से कहलाता है यहाँ पे गजल आना। स्टार्ट हुई इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट गजल राइटर्स थे। इसके बाद अगर बात करें गजलों के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि गजल में मतला, ठीक, यानी जहां से शुरू करते हैं मतला, वेक कपलेट्स को गजल की शेर कहा जाता है, गजल के कलेक्शन को दीवान कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है गजल का स्ट्रक्चर है। और गजल की अगर संरचना की बात की जाए तो गजल हमेशा ऑड कपलेट्स में लिखी जाती है, यानी कि 5, 7, 9, 11, 13 और 15। 15 कपलेट्स तक की गजल हमें देखने को मिलती है। गजल और ठुमरी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यह है कि गजल में आपके हर दो लाइन के बाद सब्जेक्ट बदल सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो भाव है वो एक ही होने चाहिए, यानी एक ही बात को आप निरंतर यहां तक नहीं कहते हैं, जबकि ठुमरी में आप एक ही सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है ये हमारे थी गजल। गजल के बाद आते हैं हम लोग लास्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक पे, और वो है तराना। तराना कि इट इज मोर फास्टर, यानी ये अत्यधिक तीव्र संगीत है। बेसिकली इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग म्यूजिकल कंसर्ट यानी ये संगीत समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। और परंपरा यह है कि अपनी तेज गति होने के कारण इसको म्यूजिक कंसर्ट में सबसे लास्ट में रखा जाता है।
क्योंकि बाकी संगीत की तुलना में तेज है, तो एक बार एनर्जी लेवल इंक्रीज करने के लिए तराने का यूज करते हैं। ठीक, तो लास्ट में बोले जाने वाला संगीत है। और इसकी पहचान क्या है? इसका फास्टर टेम्पो, ये तेज शैली ही संगीत की पहचान है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो अवध वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ दिस म्यूजिक एंड वाजिद अली शाह वॉज ग्रेट पेट्रोन ऑफ दिस म्यूजिक। तो इसको वाजिद अली शाह ने इसे भी संरक्षण दिया। तो ये थे हमारे इंडिया के कौन से म्यूजिक जिनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंतर्गत। अब हम देखते हैं क्लासिकल का सेकेंड पार्ट, और वो है हमारा कर्नाटक म्यूजिक या कर्नाटक संगीत। कर्नाटक म्यूजिक की अगर बात करें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु के पीछे वाले रीजन को कर्नाटक नाम दिया। तो ये जो आपका संगीत है ये वाला कर्नाटक स्टेट नहीं है, ये म्यूजिक आपका कर्नाटक है। और कर्नाटक म्यूजिक का मतलब तमिलनाडु का संगीत। ठीक, तो बेसिकली इट इज म्यूजिक ऑफ तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया, यह तमिलनाडु और दक्षिण भारत का संगीत है। बेसिकली इट इज डिवोशनल इन नेचर, यह प्रकृति में कैसा है, भक्तिमय है। दूसरा, इट इज वोकल म्यूजिक, यानी ये क्या है, स्वर संगीत है। इसके बाद इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल सिंगर। ठीक, इन कोरस, इसे पुरुष गायकों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगला, इट इज इंडिजीनियस इन नेचर, यानी ये प्रकृति में पूर्णता क्या है, देसी या देशज है, यानी इसमें कोई इन्फ्लुएंस हम आउटर नहीं देखते हैं, ये प्योर इंडिजीनियस म्यूजिक है जो तमिलनाडु में डेवलप हुआ। इसके बाद इसमें देखें, इट हैज नो प्लेस फॉर घरानाज, यानी इसमें घराने नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते थे नॉर्थ इंडिया में घराने हैं, तो इस इंडिया में हमें घराने देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके का क्या है, आपका वोकल म्यूजिक है, यानी कि स्वर को बदल बदल करके बोलने का तरीका इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद इस म्यूजिक को अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में हमने देखा था कि राग कितने थे, 6, और ये किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन 122 रागाज। इसमें 122 राग पाए जाते हैं कर्नाटक म्यूजिक के अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं कि वैरायटी देखें तो नॉर्थ इंडियन से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे स्वर स्वरों को ही कहलाते, रागों को कंपोजिशन है। यहाँ 122 रागाज यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको किसमें याद रखनी है, कर्नाटक म्यूजिक के अंतर्गत। तो ये था हमारा पहला म्यूजिक पार्ट जिसे हम लोगों ने पढ़ा, वह है क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया या भारत का शास्त्रीय संगीत। ठीक, हाँ, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कर्नाटक में यूज किया जाता है मृदंगम। ठीक, मृदंगम ये ढोलक के जैसा होता है, मृदंगम इसमें यूज होने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको किसमें याद रखनी है, कर्नाटक म्यूजिक के अंतर्गत याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट म्यूजिक की तरफ, और वो हमारा संगीत है, वो है फ्यूजन म्यूजिक। ठीक, यानी कि संलयित संगीत या मिश्रित संगीत। ठीक, मिश्रित संगीत की अगर बात करें तो पहला सबसे फेमस है वो है संकीर्तन। ठीक, संकीर्तन,
संकीर्तन बेसिकली है क्या? डिवोशनल म्यूजिक। इट इज परफॉर्म इन ग्रुप, यानी ये समूह में प्रदर्शित किया जाता है। एक अकेले संकीर्तन नहीं होता, संकीर्तन समूह में होता है। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु वॉज फाउंडर ऑफ दिस म्यूजिक। ठीक, चैतन्य महाप्रभु ने 15 सेंचुरी एडी में बंगाल में संगीत का आविष्कार किया। वो ईश्वर को हरि के नाम से जानते थे और वो हरि का नाम ही बजते थे, उसी से किसका जन्म हुआ? संकीर्तन का। तो पहला है हमारा संकीर्तन, ठीक, यानी किसका है? ये बांग्ला और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन है आपका संकीर्तन। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा है भजन। भजन की भी अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भजन भी क्या है, ये भी नेचर में डिवोशनल है और डिवोशनल के साथ साथ आपका ये कैसा है, ये भी आपका एक फ्यूजन म्यूजिक है, जो किसका? ये इंडियन और फोक म्यूजिक का, जिसे हमने नाम दिया भजन। इसके बाद थर्ड फ्यूजन म्यूजिक में आता है वो रविंद्र संगीत। ठीक, ये क्या है? इट इज फ्यूजन ऑफ बांग्ला एंड हिंदुस्तानी। ठीक, ये बांग्ला और हिंदुस्तानी संगीत का क्या है? मिश्रण है। रविंद्र संगीत, इट हैज 108 वेरिएंट, यानी इसमें आपके कितने प्रकार हैं? 108 प्रकार। इसकी अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम्स है आपका बांग्ला कल्चर, नेचर, नेशनलिज्म, यानी कि विषय वस्तु क्या है? बांग्ला संस्कृति, प्रकृति और राष्ट्रवाद इस संगीत में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके अंतर्गत संगीत को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया। ठीक, तो ये था हमारा इंडियन म्यूजिक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू। रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पुरुषोत्तम सिंह आपको पढ़ा रहा था आर्ट एंड कल्चर, और हम लोगों ने पिछली क्लास में चीजों को पेंटिंग पे खत्म किया था, और वो सॉरी पेंटिंग के बाद हम लोगों ने चीजों को म्यूजिक पे खत्म किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी हम आर्किटेक्चर देख चुके, स्कल्पचर देख चुके, इसके बाद हम लोगों ने पेंटिंग देखी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है हमारा लिटरेचर या साहित्य। ठीक, अब देखिए साहित्य के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक है कि शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जो बिना लिटरेचर के, चाहे यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आपका लिटरेचर। तो हम देखते हैं कि इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को यहाँ पे कवर करना। तो अगर लिटरेचर की बात करें जाए तो हम लोग सबसे पहले हम जिसे पढ़ेंगे वो है हमारा संस्कृत साहित्य या संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत के बाद सेकंड नंबर पे हमें जिसे पढ़ना है वो है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बाद जिस चीज को हमें कवर करना है थर्ड नंबर पे वो है आपका जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म का साहित्य। फोर्थ नंबर पे पर्शियन लिटरेचर या फारसी साहित्य। ठीक, तो बेसिकली हम इन फोर ब्रांचेज को इसके अंतर्गत कवर करेंगे, बाकी हिंदी लिटरेचर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं। तो यानी हम इतने टॉपिक्स को इसके अंतर्गत कवर करते हुए चलेंगे। अब आते हैं हम लोग चीजों को शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ
और वो है संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य। देखिए संस्कृत लिटरेचर की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि संस्कृत इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ या एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन भाषा है। क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत को जिस टाइम पीरियड में, अब आप कहेंगे कि कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग द्रविड़ थे और द्रविड़ वाहवी नामक लैंग्वेज बोला करते थे, तो अब उनकी बात अगर छोड़ दें तो संस्कृत को आप जानते हैं हिस्टोरिकल फेज में सबसे पहले यूज हो जाने वाली लैंग्वेज थी। तो संस्कृत को भारत में जो अपने साथ लेकर के आए वो थे आर्यंस, और आप जानते हैं कि आर्यंस की भारत में एंट्री होती है 1500 BC में, और यहीं से ऋग्वैदिक केस से आर्यों ने संस्कृत को भारत में यूज करना चालू कर दिया। और संस्कृत को यूज करते करते लगभग 600 BC में जा करके उन्होंने पहली बार संस्कृत की क्या तैयार की, ग्रामर। यानी अगर बात की जाए तो संस्कृत की व्याकरण पहली बार कब आती है, तो व्याकरण आई 600 BC में। तब तक संस्कृत आप जानते हैं कि केवल ओरल फॉर्म में चलती रही और उसमें ग्रामर प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश नहीं। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने किसकी रचना की, इसी टाइम पीरियड के दौरान वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य को संस्कृत में लिखा गया, यानी कि कंपोज्ड किया गया। आप जानते हैं कि इसमें चैंटिंग फॉर्म में रहा, यानी कि इसको बोल करके याद कराया गया, और जैसे ब्राह्मण ग्रामर आ जाती है तो ग्रामर के बाद ये चीजें रिटन फॉर्म में आएंगी। और आप जानते हैं संस्कृत की ग्रामर में जो पहली बुक लिखी गई वो थी आपकी अष्टाध्यायी, ठीक, अष्टाध्यायी पहली किताब है अष्टाध्यायी, ये संस्कृत की पहली किताब, ठीक, राइटर पाणिनि, और ये संस्कृत ग्रामर की पहली बुक है। इसका मतलब कि संस्कृत ग्रामर आने से पहले ही भारत में वैदिक लिटरेचर्स को कंपोज किया जा चुका था। बस अंतर यह है कि वो सारा लिटरेचर ओरल था, और ओरल होने के कारण इस चीज में हमें शुरुआती लेवल में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इसे कंपोज बाद में किया गया, और बाद में कंपोज आने के कारण वो गलतियां दूर कर ली गई और प्रॉपर हमें लैंग्वेज देखने को कहां मिलती है, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर को हम संस्कृत का एंशिएंट लिटरेचर मान करके चलते हैं, कहां पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो संस्कृत की चीज हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक एज से। संस्कृत में हमें जो सबसे पहला लिटरेचर पढ़ना है वो है हमारा वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य। ठीक, इट हैज फोर इंपॉर्टेंट ब्रांचेज, इसमें चार महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सबसे पहला कौन सा है, वो है आपके वेदाज, यानी कि वेद। वेद के बाद वैदिक लिटरेचर में हम दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं जिनको आप कहते हैं ब्राह्मण्स। वेद के बाद संस्कृत लिटरेचर का दूसरा हिस्सा है वो है ब्राह्मण। थर्ड पार्ट आरण्यक, एक आरण्यक। आरण्यक के बाद फोर्थ पार्ट है जिसे हम कहते हैं उपनिषद, एक उपनिषद। यानी कि वैदिक लिटरेचर आपके किन चीजों से मिलकर के बनता है, सीधे सीधे अगर वो पूछें कि वैदिक लिटरेचर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वैदिक हैज फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला है वेदाज, दूसरे हैं ब्राह्मण्स, तीसरा है अरण्यक, चौथा है उपनिषद। अब अगर इनमें हम देखें तो आते हैं हम लोग अब एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेदाज या वेद। ठीक, तो वैदिक लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट वेदाज या वेद। तो वेदों के बारे में आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेदाज कितने हैं, 4। यानी कि वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है।
कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और फोर्थ है आपका अथर्ववेद। तो ये चार वेद हैं जो उस टाइम पीरियड में प्रॉपर कंपोज्ड किए गए। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यानी कि वेदों की संख्या यानी वैदिक लिटरेचर के अंदर वेदाज में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं वेदों के अंदर। अब देखिए कि एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है ट्रिपलेट, या जिसे आप कहते हैं वेद त्रयी। तो वेद ट्रिपलेट या वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी कि वेद त्रयी अगर वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो ये किसमें है? अथर्ववेद को तीन वेदों का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक, अथर्ववेद क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ अथर्ववेद इज डिफर फ्रॉम अदर लिटरेचर्स। यानी कि जो अथर्ववेद का विषय है ये अन्य तीन वेदों की तुलना में क्या है? अलग है। और इसलिए कुछ हिस्टोरियंस मान लेते हैं कि अथर्ववेद वेद ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों वेद मोस्टली आर्यन कल्चर पे फोकस करते हैं। अथर्ववेद ऑल्सो रिप्रेजेंट आर्यन एंड नॉन आर्यन कल्चर या ट्रांजिशन फेज ऑफ आर्यन कल्चर, यानी संक्रमण संस्कृति को दिखाता है आर्यों की। और इसीलिए इसमें अनार्य चीजें मिलने के कारण कुछ विद्वान इसे वेदों में नहीं रखते हैं। इसलिए वेद त्रय यानी ट्रिपलेट का पार्ट कौन सा वेद नहीं है? तो वो है अथर्ववेद। लेकिन वेदों में, चारों वेदों में अथर्ववेद भी मोस्टली शामिल है, बस त्रय शब्द में इसको नहीं रखा जाता। अब आते हैं हम लोग अगली चीज की तरफ। अब देखिए कि वेदों के कुछ अदर इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वेदों के। तो अदर नेम्स ऑफ वेदाज या वेदों के कुछ अन्य नाम हैं जिस नाम से भी वेद आपको वो पूछ सकते हैं। सबसे पहला कहलाता है, जो वेदों में हमें नाम देखने को मिलता है वो यहाँ पे हम किसको लेकर के चलेंगे नेम्स में? देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे वेदों को कहा जाता है श्रुति। वो सीधे सीधे पूछ लेंगे आपसे श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर का मतलब भी आपके वेद है। वेदों को श्रुति लिटरेचर क्यों कहा गया? कि वेदों को हमने व्हाट इज रिमेम्बर्ड यानी क्या याद किया गया वही आपका कहलाता है श्रुति लिटरेचर है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेदों को लोगों ने सुनाया और सुनकर के लोगों ने याद कर लिया। जैसे आपको बताया था कि चैंटिंग नेचर होने के कारण, मतलब एक व्यक्ति बोलता जाता था लोग दोहराते चले जाते थे, तो आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो और रिकॉल जिस चीज को आपने किया हो, तो जो रिकॉल के नेचर के कारण से क्या कह दिया गया? श्रुति कहा गया। कि व्हाट इज हियरिंग यानी कि क्या सुना गया है, और वही चीज आपकी क्या कहलाती है? श्रुति। तो याद रखिए अगर पूछे श्रुति लिटरेचर कौन सा है, तो श्रुति का मतलब वैदिक लिटरेचर। दूसरा इसे कहा जाता है स्मृति। ठीक, स्मृति, स्मृति का मतलब व्हाट इज रिमेम्बर्ड। ठीक, यानी कि क्या याद हुआ है उस चीज को, यानी कि उन लोगों ने क्या कह दिया? स्मृति लिटरेचर कह दिया। व्हाट इज रिमेम्बरिंग यानी कि क्या याद किया गया है, उसी चीज को उन्होंने स्मृति कह दिया। स्मृति का मतलब जिस चीज को हमने याद कर लिया। ठीक, इसके बाद तीसरा वेदों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है आपके अपौरुषेय। अपौरुषेय। ठीक, अपौरुषेय का मतलब इट इज नॉट ह्यूमन क्रिएशन, यानी ये मानव की रचना नहीं है। वेदाज आर कंपोज्ड बाय डिवाइन बॉडीज, यानी वेदों को किसने संकलित किया है, रचना की है? वो कुछ देवता लोग रहे हों। ये वेदों के डिवाइन नेचर को बताने के लिए उन्होंने कहा है कि पौरुष का मतलब होता है जो इंसान के काम करने की क्षमता हो, पर यह क्या है? अपौरुषेय। इन्हीं के कारण वेदों को क्या कह दिया जाता है?
इनफेबिलिटी यानी वेद अमोघ है, क्योंकि वेदों को देवताओं ने लिखा हुआ है, तो जितनी बातें इसमें लिखी हुई होंगी वो देवताओं की बातें हैं, और इसीलिए गलत है, वो डिवाइन सेंटेंसेस कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए वेदों को एक उन्होंने कौन सा रूप दे दिया, एक लिटरेचर को डिवाइन स्ट्रक्चर के रूप में चेंज करने का काम स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है ये वेदों के अदर इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगली चीज की। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग वेदों में, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वेद, और वो है कौन सा, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में कि इट इज ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया, यह भारत का प्राचीनतम वेद है। अच्छे से याद रखेंगे, ऋग्वेद को इंडिया का सबसे पुराना वेद माना जाता है, तो इट इज ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे पुराना वेद पूछा जाए कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक, इट कंपोज्ड बिटवीन 1500 टू 1000 बीसी। इसकी रचना कब की गई थी, इसे 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में निर्मित किया गया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ हाइमंस, यह सूक्तों की संख्या, यानी कि ऋग्वेद के अंदर टोटल हाइमंस या सूक्त कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइमंस ऋग्वेद में 1028। ठीक, 1028 सूक्त हैं, इन सूक्तों में भी दो हैं, इसमें एक आता है ओरिजिनल जिसे कहा जाता है शाकल, इनकी संख्या कितनी है 1011। 1000 ओरिजिनल हैं जो साकल के नाम पे जाने जाते हैं, और दूसरा कहलाता है बाल खेल। बाल खेल की संख्या कितनी है 17, यानी कि जो ऋग्वेद के पुराने भाग हैं उनको उन्होंने क्या कह दिया, जो ओरिजिनल सूत्र हैं जो सबसे पहले रचना की गई, क्योंकि आप जानते हैं लंबे समय तक ओरल चला, यानी लगभग आप कह सकते हैं इनको फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास कंपाइल किया गया या लेटर मॉडर्न फेज में कंपाइल किया गया, तब तक ओरल थे, तो ओरल लिटरेचर में नई मंत्रों को जोड़ने की गुंजाइश होती है, और इसीलिए मान लिया गया कि ओरिजिनल जो सूत्र हैं उनकी संख्या 1011 है, बाद में इसमें 17 और ऐड कर दिए गए, तो टोटल सूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 1028। तो जो ओरिजिनल है उसे साकल 1011, और जो बाद में जोड़े गए वो बाल खिल्ल कहलाते हैं, यानी जिसमें मैच्योरिटी उस लेवल की ना हो, और इसी आधार पर इनको इनकी संख्या कितनी है 17 है, और टोटल अगर पूछा जाए तो 1028। इसके बाद आते हैं हम लोग ऋग्वेद में अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि अगली जानकारी की तरफ, ऋग्वेद में और हमें देखने को क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अब है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यानी कि इसमें अध्यायों की संख्या, दी चैप्टर्स आर कॉल्ड मंडल, जो इसके चैप्टर हैं वो मंडल कहलाते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने हैं, टोटल मंडल की संख्या ऋग्वेद में 10, तो ऋग्वेद में कितने चैप्टर हैं 10 चैप्टर्स हैं, और उन्हीं को मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी डिवीजन है, इसमें है एंशिएंट मंडल्स, यानी कि जो प्राचीनतम मंडल हैं वो हैं आपके 227। ऋग्वेद में 2 से 7 तक आपके क्या हैं पुराने मंडल हैं, यानी इनको पहले कंपोज किया गया, बाकी बाद, क्योंकि ओरली था तो बाद में अरेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट बताता है कि 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये ऋग्वेद का ओल्डेस्ट पार्ट है, और 1, 8, 9, 10 ऋग्वेद का न्यू पार्ट है। ठीक,
इसके जो न्यू चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं आपके, 1, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से ऋग्वेद में आप देख रहे हैं कि दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, यानी कि पुराना और नया। तो इतनी चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जिनसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अगली चीज है आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऋग्वेदा, या ऋग्वेद के महत्वपूर्ण अध्याय। सबसे पहला है इनका फर्स्ट मंडल, देखिए ऋग्वेद के अगर प्रथम मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद में प्रथम मंडल में दिया गया है जिस सिस्टम के बारे में, वो है इनका मैरिज, यानी कि विवाह व्यवस्था। विवाह व्यवस्था के बाद इसी में दिया गया है ऑर्नामेंट्स, यानी उनके आभूषण। इन दो चीजों की जानकारी हमें किसमें मिलती है, फर्स्ट मंडल। ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें। इसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है वह है गायत्री मंत्र। अच्छे से याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र किस चैप्टर में आता है। तो ऋग्वेद के थर्ड चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की अगर बात करें, इसके राइटर कौन है, तो इट वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, ये रचना की है विश्वामित्र। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट चैप्टर्स की, जैसे चैप्टर 7। 7 में द डिस्क्रिप्शन ऑफ दशराज वॉर। सातवें अध्याय में कौन सा युद्ध है, दशराज युद्ध का डिस्क्रिप्शन या वर्णन दिया गया है। ठीक, इसके बाद बात करें 10th चैप्टर। 10th चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चीज मिलती है, वो है आपका पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब पुरुष हाइमन। ठीक, पुरुष सूक्त यानी कि पुरुष हाइमन। इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसमें हमें मिलता है फर्स्ट एविडेंस ऑफ फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के चार वर्गीय विभाजन की जानकारी कौन देता है, वो देता है हमारा दसवें मंडल का पुरुष रूप। अच्छे से याद रखिएगा, फोर फोल्ड डिवीजन का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये पहली बार टर्म हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से आपको इस चीज को भी याद रखना है इसी चीज के अंतर्गत। अब आते हैं, तो ये थी हमारी जानकारी किससे जुड़ी हुई, ऋग्वेद से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेद की तरफ। तो अगला है हमारा ऋग्वेद के बाद साम वेद। ठीक, साम वेद। देखिए साम वेद की अगर बात की जाए तो साम वेद आप जानते हैं कि लगभग कि 75 हाइमंस आर दिस लिटरेचर इज ओरिजिनल। 75 हाइमंस आर ओरिजिनल, यानी इस साहित्य के जो 75 सूक्त हैं ये केवल नए हैं, बाकी क्या है, बाकी लिटरेचर कॉपी कर लिया गया है किससे, ऋग्वेद से। यानी कि जो मंत्र ऋग्वेद में लिखे गए हैं वही मंत्र सामवेद में उतार दिए गए हैं। केवल 75 हाइमंस क्या है, वो नए ऐड किए गए हैं किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। तो इसका मतलब कि ये उसी लिटरेचर को फिर से कॉपी कर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा, सबसे पहली चीज ये क्या है, इट वॉज म्यूजिकल
कंपोजिशन, यानी इसमें हमने मंत्रों को संगीत के आधार पर रखा हुआ है। ऋग्वेद में म्यूजिकल तरीके से नहीं था, और इसमें हमने हर चीज मंत्र को इस तरीके से मैनेज कर दिया है कि उसमें स्वर डेवलप हो गए हैं। ठीक, तो उसी को कहलाता है जब म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया, ये एक रिदमिक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया, उसको उन्होंने शाम कह दिया। शाम का मतलब ही होता है गायन, यानी कि जो आप सॉन्ग के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाएं, तो वो चीज हमें यही देखने को मिलती है। तभी इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज बेस्ड ऑन सामवेद, यानी भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद पर आधारित है। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय संगीत का ओरिजिन किस वेद से है, तो वह सामवेद। ठीक, तो इस तरीके से कहलाता है ये हमारा दूसरा वेद था सामवेद। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेद की तरफ, और अगला वेद है हमारा वो यजुर्वेद। ठीक, नेक्स्ट वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो इट हैज टू ब्रांचेज, इसकी दो शाखाएं हैं। सबसे पहला कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कहलाता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण, यानी यजुर्वेद की दो ब्रांचेज हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए, शुक्ल वो है जो वेल कंपोज्ड पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज कॉल्ड शुक्ल यजुर्वेद, एंड अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज कॉल्ड कृष्ण यजुर्वेद। मतलब कि जहां अंधेरा है, चीजें क्लियर नहीं की गई हैं, उस भाग को क्या कह दिया गया, कृष्ण कह दिया गया, और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है ऋग्वेद यजुर्वेद का, वो क्या कह दिया गया, उसे नाम दे दिया गया शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, तो इस तरीके से चीज को अच्छे से याद रखेंगे ये चीज हमारी। अब इसमें क्या दिया गया है, जिसका टॉपिक है, इसमें सबसे पहले दिए गए हैं कि फॉर्मूलाज ऑफ सैक्रिफाइसेस, यानी कि इसमें यज्ञ करने के तरीके बताए गए हैं कि कैसे यज्ञ करना चाहिए, वो इनके बारे में दिया गया है। ठीक, इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, यानी वैदिक कर्म कांडों का विवरण भी किसमें दिया गया है, इसी के अंतर्गत दिया गया। तो एक तरीके से आप देखें वैदिक यज्ञों से संबंधित पार्ट किसमें आता है, वो यजुर्वेद में है। ठीक, अब यजुर्वेद में एक चीज और देखी गई है कि इट इज कंपोज्ड इन, ठीक, इसमें आपके पॉटरी, इट इज कंपोज्ड इन प्रोज एंड म्यूजिकल फॉर्म, यानी गद्य और पद दोनों हिस्सों में, यानी कि इस चीज को उन्होंने लिख रखा है, यानी एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में मिल जाता है हमें। ठीक, तो अच्छे से याद रखिएगा ये हमारे कौन सा वेद है जो प्रोज और पोएट्री फॉर्म दोनों में लिखा गया है, तो वो आपका कौन सा है, यही वेद है। तो एक तरीके से आप म्यूजिकल फॉर्म को आप पोएट्री फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी आपके गद्य और पद दोनों स्वरूपों में कौन सा वेद लिखा गया, तो वो वेद है हमारा यजुर्वेद। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा था, थर्ड वेद। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेद की तरफ, अगला वेद है हमारा वह अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद माना जाता है कि इट इज न्यूली वेद ऑफ इंडिया, यह भारत का
नया वेद है बिकॉज इट कंपोज इन लेटर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक एज, क्योंकि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में की गई। यानी कि ऋग्वेद केवल ऋग्वैदिक एज में लिखा गया, बाकी जितने भी वेद हैं वो आपके 1000 से लेकर 600 बीसी के लेटर वैदिक फेज में लिखे गए, और लेटर वैदिक के भी लास्ट फेज में किसकी रचना की गई, अथर्ववेद की। अब बाकी इसमें अगर हम देखें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आप देखिए सब्जेक्ट अदर वेदों से बिल्कुल डिफर है। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की है, निगेटिव पावर्स ऑफ यूनिवर्स, जिनको आप कहते हैं घोष्ट, यानी कि भूत प्रेत की बातें हमें इनमें देखने को मिलती हैं। दूसरा हमें मिलता है डिजीजेज एंड क्योर, यानी कि बीमारी और इलाज। इसके बाद मिलती है सोशल डिजायर्स, एक फॉर्मूलाज फॉर सोशल डिजायर, यानी कि सामाजिक इच्छाओं के सूत्र, जैसे डिजायर ऑफ लव, डिजायर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, इस तरीके की चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप सब्जेक्ट देखें तो बिल्कुल डिफर है हमारा, बाकी वैदिक मंत्र देवी देवताओं की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ हमें निगेटिव पावर्स की बातें देखने को मिलती हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बीमारियां उनका इलाज कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती हैं, इसी वेद के अंतर्गत। और तभी लोग मानते हैं कि ये वेद नहीं था, लेकिन फिर भी इसे चार वेद के अंतर्गत रखा जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ, वैदिक लिटरेचर का जो सेकेंड पार्ट है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके किसके ब्राह्मण, ऋग्वेद, ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण्स ऑफ अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण है ऐतरेय और दूसरा है कौशीतकी। ठीक, कौशीतकी, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशीतकी। ठीक, तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है ऋग्वेद के ब्राह्मणों के बारे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश षडविश तांड्य जैमिनीय और छांदोग। एक छांदोग, तो आप देख रहे हैं कि इनके ब्राह्मण कितने हैं हमारे, पंचवेश षडवेद तांड जैमिनी ये छांदोग, ये सारे के सारे ब्राह्मण किसके अंतर्गत आते हैं, सामवेद के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण्स ऑफ अथर्ववेद या अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण है आपके गोपथ, एक अथर्ववेद का सबसे फेमस ब्राह्मण है गोपथ। तो इस तरीके से हमारे ब्राह्मण्स थे। अब ये ब्राह्मण्स हैं क्या, तो अच्छे से याद देखिएगा कि ब्राह्मण्स आर कमेंट्रीज ऑन वेदाज, यानी कि ब्राह्मण वेदों के ऊपर टिप्पणियां हैं। टिप्पणियों के अंतर्गत क्या किया गया, दीज आर
इन ओनली प्रोज फॉर्म, ये किस में है आपके गद्य रूप में है, और इनमें किसके बारे में समझाया गया है, जो चीजें वेदों में कही गई हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है किसके अंतर्गत, ब्राह्मण्स के अंतर्गत। ठीक, तो अलग अलग पार्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया वेदों के, तो उन्हीं से हर वेद से जुड़ा हुआ क्या है, एक ब्राह्मण्स है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की वैदिक लिटरेचर के, और वैदिक लिटरेचर का थर्ड पार्ट है आरण्यक। ठीक, आरण्यक, ठीक, दिस लिटरेचर वर कंपोज्ड composed in forest areas, ठीक, यानी इस साहित्य की रचना कहां की गई, वन क्षेत्र में, और वन को आप जानते हैं अरण्यक कहते हैं, और इसे इस लिटरेचर को क्या कह दिया गया, अरण्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, ठीक, सम पार्ट ऑफ दिस लिटरेचर या इस साहित्य का कुछ हिस्सा कैसा है, वो है स्पिरिचुअल, यानी यही आप मुंडेन अप्रोच को छोड़ करके आध्यात्मिक चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें पहली बार किसके साथ है, कुछ आध्यात्मिक चीजों के साथ डील करने का प्रयास किसमें किया गया है, वो किया गया हमारे यहाँ अरण्यक के अंतर्गत। ठीक, तो जंगलों में लिखे गए अरण्यकाज भी हर वेद के वही है जिन वेदों के आपके क्या है, ब्राह्मण्स है। तो ब्राह्मण और अरण्यक दोनों हर वेदों के वही है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेचर की। इसके बाद वेदों का लास्ट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की अगर बात की जाए तो इट इज लास्ट पार्ट ऑफ वेदाज, ये वेदों का अंतिम भाग है, therefore it is called Vedant, इसलिए से किस नाम से जाना जाता है, ये वेदांत भी कहलाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि उपनिषद का ही दूसरा नाम क्या है, वेदांत भी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वेदों का आकर के अंत हो जाता है और इस लिटरेचर का नाम क्या पड़ जाता है, इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसी में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके वो है। तो देखिए ऋग्वेद में कोई अलग से ऐसा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वही दोनों हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली चीज की तरफ। तो ऋग्वेद के बाद आते हैं हम लोग साम वेद के ब्राह्मणों की तरफ, वो उपनिषद की तरफ। देखिए साम वेद के उपनिषदों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, जैसे किसमें, छांदोग, एक छांदोग उपनिषद, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद, यानी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग उपनिषद। ये किसके बारे में, इट इज फर्स्ट एविडेंस ऑफ आश्रम सिस्टम, अच्छे से याद रखिएगा, यह आश्रम व्यवस्था का पहला साक्ष्य है। बट इट इज डिस्क्राइब ओनली थ्री स्टेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ये मानव जीवन के केवल तीन चरणों के बारे में बताता है। इसमें फोर्थ स्टेज जो है संन्यास, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, यानी इसमें केवल तीन चरणों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसमें संन्यास आश्रम के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें सन्यास की कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण लिटरेचर जो है उसका संबंध किसके साथ है, वो लिटरेचर है आपके यजुर्वेद के, उपनिषद यजुर्वेद। यजुर्वेद में अगर बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
बृहदारण्य बृहदारण्य अच्छे से याद रखिएगा, इट इज ओल्डेस्ट उपनिषद ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे प्राचीनतम उपनिषद है बृहदारण्य। ठीक, तो बृहदारण्य उपनिषद भारत के प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, माने सबसे पुराना है। अब आते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं कि हमें कौन सा इंपॉर्टेंट वो मिलता है। इसमें हमें मिलता है याज्ञवल्क, एंड गार्गी, डिस्कशन। इसमें हमें याज्ञवल्क और गार्गी के आपस में संवाद करने की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क और गार्गी, गार्गी इनकी पत्नी थी और लेटर वैदिक एज में वैदिक हाइमंस की कंपोजर भी थी। इस तरीके से याज्ञवल्क गार्गी के डिस्कशन की जानकारी हमें किसमें मिल जाती है, यजुर्वेद में देखने को मिल जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेद की तरफ, और वो वेद है हमारा अथर्ववेद। कि अथर्ववेद में कौन सा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, अथर्व वेद। अथर्ववेद में आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मुंडक, जिसे आप मुंडकोपनिषद कहते हैं। इसमें एक फेमस स्टेटमेंट आता है, वो है हमारा सत्य मेव जयते। ठीक, सत्यमेव जयते, ये हमें कहां देखने को मिलता है, मुंडक उपनिषद। इस तरीके से हमारा वैदिक लिटरेचर था जिसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वैदिक लिटरेचर के बाद संस्कृत लिटरेचर में सेकंड इंपॉर्टेंट लिटरेचर वो है सूत्र लिटरेचर। सॉरी, सूत्र लिटरेचर से पहले हम देखते हैं इसमें, वो है हमारा वेदांग। और वेदांगों के पार्ट क्या है, सूत्र है। सेकंड इंपॉर्टेंट लिटरेचर संस्कृत में वो है वेदांग। टोटल नंबर ऑफ वेदांग 6, यानी वेदों की कुल संख्या, वेदांगों की कितनी संख्या है, वो 6 है। अब वेदांग है क्या, ये वैदिक एज के बाद डेवलप होते हैं। तो वेदांग सार ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स ऑफ वेदाज, यानी कि वेदांग वेदों के सहायक अनुशासन है कि किस चीज को कैसे प्रयोग किया जाए। ये अनुशासन किसमें डिस्क्राइब किया गया है, ये वेदांग के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, तो ऑक्सिलरी डिसिप्लिन या सहायक अनुशासन ही क्या कहलाते हैं, वो वेदांग के नाम से जाने जाते। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहला है शिक्षा, शिक्षा के बाद दूसरा है कल्प, कल्प के बाद तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है व्याकरण, और छठा है ज्योतिष। ये 6 क्या कहलाते हैं, इन 6 को वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, शिक्षा, शिक्षा में उन्होंने बताया संस्कृत अल्फाबेट, यानी कि जो संस्कृत शब्द हैं उन संस्कृत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उन शब्दों का वही स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, उनके लिखने के बारे में, उनको बोलने के तरीके के बारे में, ये सब किसमें समझाया गया, शिक्षा। इसीलिए इसको तरीका समझाने का नाम क्या पड़ गया, इसका नाम है शिक्षा। इसके बाद बात करते हैं कल्प। कल्प में दिया गया है रिचुअल्स के बारे में, रिचुअल्स एंड ड्यूटीज।
इसमें हमारे कर्म कांडों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और जिसका पाठ सूत्र है, आगे हम सूत्र लिटरेचर पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग निरुक्त की तरफ। नियुक्त का मतलब होता है, इसमें बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी कि जो शब्द हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है वो निरुक्त में समझाया गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं छंद। छंद किसके बारे में है? पैरोजडी ऑफ वेदाज, यानी कि वेदों का जो मेलोडियस फॉर्म है वो इनमें समझाया गया है। ठीक ठीक, आके जानते हैं, हिंदी में आप जानते हैं दोहा छप्पर ओलय सोरठा कैसे गाया जाता है वेदों को, तो उसी उसके कहलाता है आपके मेलोडियस फॉर्म को या पैरोजडी फॉर्म को कौन डिफाइन करता है, ये हमें छंद के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण भी किसके बारे में है? ये भी संस्कृत वर्ड्स को डील करती है कि किस वर्ड को कैसे आपस में जोड़ा जाए, ये हमें कौन बताता है? संत आपकी व्याकरण बताती है। आपने अभी बताया था कि सबसे पुराना व्याकरण कौन सा है, वो था हमारा अष्टा अध्यायी, अष्टा अध्यायी ये सबसे एंशिएंट व्याकरण है और जिसको रचना किसने की थी? पाणिनि। एक पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, तो इस तरीके से कहलाता ही हमारा क्या था? व्याकरण है। इसके बाद बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष में बताया गया है ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल्स, यानी किस कर्मकांड को किस समय पे करने पे सबसे ज्यादा प्रभाव देता है और उसी को उन्होंने किसके नाम से रखा है, इसके नाम से जाना जाता है। अब इनमें से तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब सब ज्योतिष के जो राइटर माने जाते हैं सबसे पहले वो है आपके लगध मुनि, यानी सबसे पहले ज्योतिष की रचना किसने की है? वो की है आपके लगध मुनि ने। तो इतनी चीजें आपको किसमें याद रखनी है? वेदांग के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। संस्कृत लिटरेचर में जो अगली महत्वपूर्ण चीज आती है वो है हमारा स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर या स्मृति साहित्य। स्मृति लिटरेचर की रचना पहली बार की जाती है हमारे यहाँ पे, यानी कि इसको भारत में पहली बार 200 BC से 200 AD के बीच में लिखा है। ये है क्या? तो इट इज लॉ लिटरेचर ऑफ इंडिया, यह भारत का विधि साहित्य है। ठीक, इट इज लॉ लिटरेचर ऑफ इंडिया, यह भारत का विधि साहित्य है और स्मृति लिटरेचर को हम लोग इसलिए लॉ लिटरेचर के नाम से जानते हैं। स्मृति लिटरेचर में सोशल लॉज दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है? वो है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति कब लिखी गई? 200 BC से 200 AD के 400 सालों के बीच में इसकी रचना की गई। ठीक, मनुस्मृति आप जानते हैं बड़े कंट्रोवर्सियल लिटरेचर माना जाता है इंडिया का, क्योंकि इसमें उन्होंने शूद्रों के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट अपने समय के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने आज के लिए नहीं कहे, तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में कुछ बातें कही जो सबके अकॉर्डिंग उनके लिए उचित रही होंगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो इस लिटरेचर्स लिखे गए स्मृति, वो गुप्ता एज में लिखे। जैसे गुप्ता एज में आप जानते हैं नारद, नारद के बाद याज्ञवल्क, याज्ञवल्क के बाद कात्यायन, कात्यायन के बाद बृहस्पति,
ये सारी स्मृतियां जो हैं हमारी ये 300 टू 500 एडी के बीच में कब लिखी गई, ये लिखी गई आपके गुप्ता एज में, यानी गुप्त काल में इन सारी स्मृतियों की रचना की गई। ठीक, तो स्मृति लिटरेचर है हमारा जो उस टाइम पीरियड में लिखा गया। अब इनमें से मनुस्मृति पे आगे चल के कमेंट लिखा गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट इनका, वो लिखने वाले थे मेघा तिथि। मेघा तिथि ने मनुस्मृति पे फेमस कमेंट लिखा है 850 एडी के आसपास। ठीक, तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ये भारतीय कुछ इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, इनको प्री मिडिवल एज में भी लिखा जाता रहा, जैसे विश्वरूप, पुल्लो, गोविंद राज, इन जैसे लोगों ने और भी रस खिलाता है मनुस्मृति पे कमेंट्स करना जारी रखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स किसका माना जाता है, मेघा तिथि का। तो ये हमारा क्या है, स्मृति लिटरेचर यानी कि लॉ लिटरेचर। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेचर की तरफ, और वो है हमारे पुराण। संस्कृत लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या माने जाते हैं, वो है हमारे पुराण। टोटल नंबर ऑफ पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। यानी कि भारत में कुल पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का जो कंपोज टाइम है ये माना जाता है कि 400 टू 700 एडी के बीच में दीज पुराण्स वर कंपोज्ड। यानी कि पुराणों को कब संकलित किया गया, तो वो 400 से लेकर 700 ईस्वी के बीच में इनकी रचना की गई। ठीक, दीज आर इन फ्यूचर टेंस, यानी पुराणों को किसमें लिखा गया है, भविष्य काल के रूप में। यानी कि हर बात को लिखा गया है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, यानी पुरानी बातों को भी फ्यूचर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो यानी कि इनको भविष्य काल के रूप में पुराणों की रचना की गई है। पुराणों में जो ओल्डेस्ट पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है विष्णु। ठीक, विष्णु पुराण सबसे पुराना पुराण है इन व्यवस्थाओं, और विष्णु पुराण में ही हमें किसकी हिस्ट्री को देखने को मिलती है, मौर्यन रूलर और गुप्त रूलर। मौर्य और गुप्त शासकों की जानकारी हमें किसमें मिल जाती है, इसी पुराण के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक, तो पुराणों में आपको याद रखना है इस पुराण को विष्णु पुराण, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भी हिस्टोरिकल जानकारियां हैं, और ये हमें किसके बारे में बताती है, सतवाहन यानी आंध्र के राजाओं के बारे में कौन जानकारी देता है, वो ये पुराण देता है। एक आंध्र में, और आंध्र में मोस्टली किन राजाओं के बारे में, सतवाहन राजाओं की जानकारी हमें कौन देता है, मत्स्य पुराण। ठीक, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा ये उनके बारे में जानने का। तो ये हमारे पुराण है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेचर की तरफ संस्कृत में, और वह संस्कृत महाकाव्य या एपिक्स। देखिए इनमें अगर बात की जाए तो पहली बुक है आपकी महाभारत। महाभारत के राइटर माने जाते हैं वेद व्यास। एक वेद व्यास ने महाभारत को कंपोज्ड किया। अब महाभारत एक टाइम पीरियड में ना लिख करके एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में किसकी रचना की गई है, महाभारत की। तो महाभारत की जो रचना इस लंबे टाइम पीरियड में की गई है, आप देखें सबसे पहले इसको किसके नाम से जाना जाता था, जय संहिता, इसे कहते थे जय संहिता। कब लिखी गई थी, 400 बीसी में, और टोटल नंबर ऑफ वर्सेस, ये श्लोकों की कुल संख्या इसमें कितनी थी तब, 8000। ठीक, 8800, इतने इस वर्सेस से क्या लिखा गया, जय संहिता। बाद में इसको रिकम्पोज्ड किया गया और इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया भारत
शमिता, इसी बुक का नाम पड़ गया भारत शमिता। और ये कलाता कब कंपोज की गई, आप कह सकते हैं लगभग 100 एडी के आसपास। अब नंबर ऑफ वर्सेस कितने कर दिए गए, 24,000, यानी उसी बुक में श्लोकों की संख्या हो गई कितनी, 24,000। और जब इसको थर्ड टाइम लिखा गया तो ये भारत किस्म में बदल जाती है, महाभारत। महाभारत को फाइनली कंपोज कर दिया गया 400 एडी में, और नंबर ऑफ वर्सेस हो जाते हैं 1,00,000। यानी एक ही किताब समय के साथ आगे बढ़ती चली गई, और किताब में नंबर ऑफ वर्सेस की संख्या भी समय के साथ आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई चली गई। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ, और वो है संस्कृत में रामायण। ठीक, रामायण, रामायण की रचना आप जानते हैं किसने की है संस्कृत में, वाल्मीकि। ठीक, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किसकी रचना की गई है, रामायण की। रामायण को भी पहली बार लिखा गया आपके लगभग आप कह सकते हैं कि 200 to 100 AD के बीच में, यानी कि इसको भी लिखा गया लेटर मौर्यन एज में। ठीक, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इसके बाद रामायण पे कई लोगों ने आगे चल करके अपने अपने अलग अलग भाषाओं में से ट्रांसलेट किया, ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था हमारा कौन सा संस्कृत लिटरेचर, जिस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। ठीक, तो ये संस्कृत लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स थे जिसको हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया। अगले लिटरेचर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।